अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? वैसे कुछ लोग सोते हुए ख्वाब देखते हैं, कुछ लोग जागते हुए ख्वाब देखते हैं, और ख्वाब देखने वाले का ना कोई जेंडर नहीं आप वो कर सकते कि ख्वाब देखने का हक सिर्फ आदमियों को है, यानी मेल को है या फीमेल को है, कोई भी ख्वाब देख सकता है। लेकिन पूरा किसके ख्वाब होते हैं, अगर आप ज़रा नज़र डालें हमारे इर्द गिर्द, हमारे माशरे पे, तो आप देखेंगे कि ख्वाब आदमियों के, लड़कों के ज़्यादा पूरे होते हैं। अब अगर आपको मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि एक लड़के का ख्वाब है थोड़ा महंगे स्कूल में जाना या महंगे कॉलेज में जाना या ट्यूशन्स लेना, तो उसके अम्मा अब्बा कहीं ना कहीं से पैसे इधर से उधर से निकाल के कुछ ना कुछ उसके लिए कर देते हैं कि चलो अगर इस पर अभी इन्वेस्ट करेंगे तो बाद में वापस आएगा, है ना। मतलब उधार भी ले लेते हैं, बाहर भी भेज देते हैं। लेकिन वही लड़की अगर कह रही होती है उनकी वही बेटी कि मुझे भी इतनी ही अच्छे स्कूल में या कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, तो वो थोड़ा सा सोच विचार करते हैं और कभी कभार पढ़ाई छुड़वा भी देते हैं अपनी लड़कियों की। आप कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ जहाँ मैं खड़ी हूँ, मैं जिस तरह की कैटेगरी के लोगों से मिलती हूँ, हर क्लास के लोग होते हैं, तो उससे अंदाज़ा होता है कि ये चीज़ अभी भी है, ना सिर्फ पाकिस्तान में, इंडिया, बांग्लादेश, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ अभी भी बेटे को वही अहमियत दी जाती है जो एक सर्टन सालों पहले, कुछ ज़माने पहले दी जाती थी, और बेटियाँ उसी तरह अपने ख्वाबों को लेके अपने दिल में दबा के बैठी होती हैं, और उनको पता होता है, कहने की ज़रूरत ही नहीं, ख्वाहिश पूरी होने ही नहीं वाली है। मगर कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो थोड़ी अनयूजुअल होती हैं, और उनको पता है कि उनकी ज़िंदगी में आने का कोई मकसद है और उसको उन्हें पूरा करना है, चाहे कोई और इधर का उधर पूरा करे या नहीं। तो जब वो खुद कमर कस लेती हैं तो वो अपने ख्वाबों को पूरा करती हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो तनाव होती हैं वो काफ़िले में तब्दील होता जाता है, और फिर उनको सपोर्ट करने वाले लोग, चाहे वो उनके करीबी मर्द क्यों ना हो, वो भी शामिल होना शुरू हो जाते हैं। मगर पहला स्ट्रॉन्ग स्टेप जो है वो खुद लड़की ने लेना है। ये कुछ ऐसा है अलमिया, कभी कभार आपने देखा होगा कि लड़कियों के पीछे उनकी माँ खड़ी होती है, कभी उनका बाप होता है, कभी भाई, हस्बैंड्स, बहुत सारे, जैसे कहते हैं कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है, तो उसी तरह एक कामयाब औरत के पीछे भी कभी ना कभी ऐसा होता है कि किसी मर्द का हाथ हो जो उसे सपोर्ट करता है कहीं ना कहीं। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम आपके फेवरेट स्टार से आपको मिलवाने वाले हैं। पता नहीं कितने साल बाद मेरे शो पे वो इस वक्त यहाँ आ रही हैं। उनकी नेचर, उनकी दोस्ती, उनके प्यार के फ़ैन तो हम थे ही, लेकिन जब वो नई नई आई थी और उसके बाद अब जहाँ वो जिस स्टेज पे पहुँच गई हैं, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी कामयाबी, अपने टैलेंट, इन सब चीज़ों की वजह से वो इस स्टेज पर पहुँच चुकी हैं, लेकिन वही हम्बलनेस, वही काइंडनेस उनके अंदर बरकरार है। आपकी फेवरेट यमुना ज़ैदी एज नायाब हमारे साथ क्या मौजूद हैं। 26 जनवरी को आप, 26 जनवरी से ऑनवर्ड्स आप नायाब मूवी को करीबी सिनेमाज में देखने जा सकेंगे, और यमुना के वो कहते हैं ना कि कॉलर्स पे एक और स्टार आप लगाएंगे इस मूवी को देखने के बाद, क्योंकि जैसे कि कभी कभार होता है ना कोई बच्ची नायाब होती है घर में, तो ये बच्ची हमारी इंडस्ट्री में नायाब है, और इसको बिल्कुल सही नाम की, सही हेडिंग की, क्या कहेंगे वो क्या कहते हैं, हेडिंग की मूवी मिली है नायाब, जिसका नाम है। तो आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात नायाब की कास्ट से, प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर से, सबसे कराएंगे, जिसमें शामिल है यमुना ज़ैदी, उसामा खान, जावेद शेख, फवाद खान। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए अपनी सुबह को नायाब बनाने के लिए विद नायाब की कास्ट। गुड मॉर्निंग। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आपकी सुबह को खुशगवार बनाने आज खास तौर पे हम आए हैं नायाब गेस्ट के साथ, नायाब मूवी के साथ, जो कि 26 जनवरी से रिलीज़ हो रही है ऑल ओवर पाकिस्तान, एंड आप सिनेमा अपने
करीबी सिनेमा घर में जा सकते हैं और इस मूवी को इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि वैसे जो इसकी कास्ट है, आप जब उनको टीवी पे भी देखते हैं तो आप इंतज़ार करते हैं उस एपिसोड का. सो इंतज़ार करें, अब उनकी पहली मूवी का आइए वेलकम करते हैं आपकी फेवरेट, बहुत ही प्यारी सी हमारी गेस्ट, जो कि टैलेंटेड तो हैं ही, लेकिन उनकी पहली फिल्म के साथ हमें उनको सपोर्ट करना है, पाकिस्तानी सिनेमा को सपोर्ट करना है. सो वेलकम टू यमुना ज़ैदी. कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक. मुबारक आपको बहुत बहुत. थैंक यू सो मच निदा. और कितना अरसा हो गया कि मैं चाहती थी कि आपके शो पे आऊं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ. थैंक यू सो मच टू यू एंड ARY के मेरी इस फिल्म के मकसद से मैं इधर आई हूँ. सो आई एम रियली हैप्पी. मुझे इतनी खुशी हो रही है कि तुमने 11 साल के बाद पहली दफ़ा फिल्म कर रही हो. एग्जैक्टली 11 साल. इससे पहले भी जाहिर सी बात है, जब आप एक जगह, एक फील्ड, इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं तो मुख्तलिफ चीज़ें आपको ऑफर होती हैं. लेकिन मेरा इतना ज़्यादा कभी भी नहीं था कि मैं फिल्म करूँगी या फिल्म के लिए मैं सही हूँ कि नहीं, फिट इन करती हूँ. लेकिन जब ये मैंने इसकी नरेशन सुनी फिल्म की, तो मुझे लगा कि बस ये मुझे यहाँ ठुकी है ना दिल पे, तो मेरी आवाम को भी ठुकेगी दिल पे. क्योंकि तुम हमेशा बड़े समझदारी से प्रोजेक्ट्स चुनती हो. मैंने देखा था तुम्हारा इंटरव्यू कि मैं एक आवाम के लिए करती हूँ, एक अपने लिए करती हूँ, एक वो वाली चीज़ है. जी जी. सो नायाब जो है वो किसके लिए, यमुना के लिए कि आवाम के लिए? नायाब जो है वो पाकिस्तान के लिए है और उन सब के लिए है जो एक जज्बा रखते हैं, जो पैशन रखते हैं, जो ख्वाब देखते हैं, जो वैल्यू करते हैं अपनी फैमिली को, अपने मुल्क को, अपनी चीज़ों को, अपने ड्रीम्स को जो वैल्यू करते हैं, उन सब के लिए नायाब है. वाओ. यमुना भी कोई ख्वाब देखा करती थी? मैं तो कहती हूँ कि मैं तो जो जो ख्वाब देखती हूँ निदा, वो अल्लाह ताला थोड़ा पेशेंस के बाद उसको अल्लाह ताला चार चांद लगा के मुझे दे देते. तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा तुम्हें माशाल्लाह. और वो वाली होता है ना, कुछ लोग होते हैं जो ख्वाब देखते हैं और थोड़े से नाशुक्र होते हैं कि नहीं वहाँ वो नहीं हुआ. तो क्या मैंने इसीलिए पेशेंस का वर्ड यूज किया. जो पेशेंस है ना, दैट्स द की फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरीथिंग इन लाइफ. सो अब जैसे कि जब आप ख्वाब देखते हैं, तो जैसे यमुना ने भी ख्वाब देखा, तो उसकी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने उसके ख्वाब पूरे करने में उसकी हेल्प की होगी. अगर हम ये कहें कि नायाब मूवी, जाहिर है कि जो प्रैक्टिकल लाइफ है उससे ही उसकी स्टोरी ली गई है, तो ये गलत नहीं होगा? बिल्कुल सही होगा. बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जो आप सिंगल हैंडेडली तो इंसान करते ही है जस्तुजू, लेकिन बहुत सारे लोग आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं जो आपको पुश फॉरवर्ड करते हैं टू रीच योर फाइनल डेस्टिनेशन. एग्जैक्टली. सो वो तमाम लोग जो हैं वो इस फिल्म में मेरे साथ, मेरे बड़े मेजर पिलर्स हैं, सपोर्ट सिस्टम है. और बिल्कुल ऐसे ही. सो वही लोग जो आपकी ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ाने में सबसे आगे होते हैं, वो आपका अपना कोई भी प्यारा होता है, हो सकता है आपका फादर, आपका भाई, आपका हस्बैंड, कोई ऐसा खैरख्वाह, कोई ऐसा दोस्त जो आपको हमेशा याद रहता है. सो इस मूवी नायाब में वो पिलर जिन्होंने हेल्प की है बाकी दुनिया से बचा के नायाब को नायाब बनाने में, आइए वेलकम करते हैं एक उभरता हुआ सितारा जो कि आपको मुख्तलिफ ड्रामों में एक्टिंग करते हुए नज़र आया और अपनी स्ट्रेंथ से, अपनी मेहनत से अपना नाम बनाया और बस आगे ही आगे. मेरे ख्याल से उनकी भी ये पहली मूवी है, आई गेस है ना. सो आइए वेलकम करते हैं उसामा खान. अस्सलामुअलैकुम. कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक. आप कैसे? मैं ठीक ठाक. काफी अच्छे बाद मिले. काफी अच्छे बाद मिले. 48 घंटे बाद तो मिले थे. अच्छा. जी फैमिली की तरह है ना, आते जाते रहते. अच्छा जबरदस्त. घर पे मिले थे. घर पे तो जैन का कैरेक्टर उसामा का और नायाब का कैरेक्टर सबको पता है कि लाइक नायाब जो है यमुना प्ले कर रही है. तो पहली दफा दोनों आप लोग एक साथ काम कर रहे हैं? दूसरी दफा. दूसरी दफा. हाँ, पहले कब किया है काम? किस
अब मैं साल नहीं बताऊंगा, साल हर दफा मैं गलत बताता हूं। मैं उसामा से कहती हूं, हर दफा एक साल कम कर देता है, लेकिन ही इज एक्चुअली राइट। कोई 5 साल पहले हमने एक टेलीफिल्म में काम किया था। अच्छा। और उसामा जो है वो बहुत ही टैलेंटेड है और बहुत ही गुड लुकिंग है, और हमारी स्क्रीन में एक बड़ा जबरदस्त, हाँ उस वक्त तो बहुत नए नए थे, लेकिन जिम जाना शुरू नहीं किया था। नहीं नहीं, जिम ही करता था और कुछ नहीं करता। तो टैलेंटेड है और बहुत गुड लुकिंग है, और हमारी स्क्रीन में एक बहुत ही जबरदस्त इजाफा है। हाँ। और हमारी फिल्म में बड़ा जबरदस्त इजाफा है। ओ, ग्रेट ग्रेट। तो तुमने उसामा इतने अरसे बाद जो फिल्म चूज की वो क्यों, मतलब अभी तुम लगे हुए थे भाग दौड़ में ड्रामों की कि अच्छे ड्रामे, और ये फिर उसामा हमें हर अच्छे अच्छे ड्रामों में नजर भी आने लगा, रेटिंग भी आने लगी, अब फिल्म का क्या ख्याल आया? अच्छा, मुझे किसी ने पूछा था कि क्यों। हाँ। तो एक तो सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, एक लड़की की कहानी है। हाँ। और उसकी स्ट्रगल है। हाँ। और उसमें जितने लोग उसको सपोर्ट करते हैं, नॉर्मली आप देखते हैं कि एक लड़की की स्ट्रगल जो होती है उसमें कितने लोग सपोर्ट करते हैं आपको नहीं पता होता। हाँ। तो एक नायाब है, और उसमें जिस जिस बंदे ने उसको सपोर्ट किया है उसके गोल अचीव करने में, तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। हाँ। जो कि उसको सपोर्ट कर रहा है। तो जब लड़की ये फिल्म देख रही होगी सिनेमा में, तो क्या वो ऐसा फील कर रही होगी कि यमुना मैं हूँ? बिल्कुल ऐसा फील कर रही होगी, बिल्कुल ऐसे फील। बिल्कुल, ये बड़ा मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो खुद भी, आपकी अपनी जिंदगी भी ऐसी होनी चाहिए कि लोग आपसे इंस्पायर हों, और लोग आपसे यू नो, हर कोई जिंदगी एक मिली है हमें। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे, मैं अक्सर सोचती हूँ कि हमारे हर काम के लिए ना, शादी के लिए एक पूरी ज़िंदगी होनी चाहिए, एक्टिंग के लिए एक पूरी ज़िंदगी होनी चाहिए, कुकिंग या कोई अपना ट्रैवल के लिए पूरी ज़िंदगी होनी चाहिए। ये कुछ ज़्यादा मांग लिया, 4 जन्म तो मांग लिए। सो एक ज़िंदगी है, तो उसमें हमने सब चीज़ों को कवर करना है, तो करना चाहिए, अपने गोल्स को भी, अपने ड्रीम्स को भी अचीव करना चाहिए। और बिल्कुल। अच्छा, नायाब में तो अगर मैं कहूँ कि एक पिलर उसामा है, एक पिलर जावेद साहब है, और कौन कौन है? फवाद खान, जो कि मेरे भाई का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, अक्का। सो वो एक बड़े स्ट्रॉन्ग पिलर है नायाब की जिंदगी में। सो अगर मैं ये पूछूं, नायाब की जिंदगी में जो जो पिलर्स हैं, वो तो हम 26 जनवरी को सिनेमाघरों में जाके देख लेंगे, यमुना की जिंदगी में कौन कौन पिलर है? ये भी तो इम्पोर्टेंट है भाई। मेरी जिंदगी में बहुत सारे लोग हैं, और जिसमें मेरे कुछ, मेरी वालदा हैं, मेरे बहन भाई हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, जिन्होंने बेलॉस सपोर्ट किया है मुझे, मैं कहूँ, क्योंकि मैं वैसे तो बड़ी स्ट्रांग हूँ, डील भी करती हूँ बहुत सी चीज़ों में, लेकिन एक साइड ऐसी है जब इंसान बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है, जब आपको छोटी भी चीज़ लगता है कि यार ये करना है कि ये करना है। सो वो सेट ऑफ पीपल जो आपकी ज़िंदगी में होते हैं, जो कि जेन्युइनली कनेक्टेड होते हैं, बग़ैर किसी कंडीशन के या बग़ैर किसी नफ़ा नुकसान के, तो वो आपको बड़ा अच्छा गाइड कर देते हैं। तो मैं बस उन्हीं के सहारे, कई दफ़ा तो मुझे ऐसा लगता है मैं व्हीलचेयर पे हूँ, एंड पीपल आर जस्ट पुशिंग मी। सो बट ये कि वो बस उनके सहारे भी जिंदगी चलती है, लेकिन आपकी अपनी विल और स्ट्रांग होना बड़ा जरूरी है। कहीं कोई भी आप किसी के ना उस पे नहीं रिलाई नहीं कर सकते, रिलाई नहीं कर सकते, बिल्कुल भी। उसामा की जिंदगी में कौन कौन पिलर्स हैं भाई? मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स, बहन भाई। हाँ। अच्छा, मुझे लगता है कि जब आप स्ट्रगल शुरू करते हैं ना, उस टाइम पे जो आपको लोग एक अनकंडीशनल सपोर्ट होती है, वो जो सपोर्ट होती है ना, वो आपको कुछ अचीव करने के बाद वो वाले लोग उस तरह से नहीं मिलते। हाँ। तो जो शुरू में आप लोगों को जो सपोर्ट मिलती है ना, वो एक सही सपोर्ट होती है, अलग ही बात। जैसे अच्छा मैं एग्जांपल दूं आपको, हमने काम किए 5 साल, अच्छा चले 5 साल ही, तो उस टाइम पे मतलब मैं बिल्कुल नया था, और उस टाइम और मेरा पहली दफ़ा इंटरेक्शन हुआ था, तो यमुना ने उस टाइम भी मुझे बहुत सपोर्ट किया था। okay. और ऐसा नहीं कि हमारी कोई बहुत ऑन एंड ऑफ बातचीत होती हो, हम अभी मिले होंगे जाके। हाँ. लेकिन हमेशा ऐसे लगता है कि कनेक्शन है। अच्छा, यमुना की अच्छी बात ये कि जिस बंदे से मिलती है ना, ऐसे लगता है कि उनका कोई कनेक्शन है, गुर आता है कनेक्शन बनाने का। बिल्कुल ऐसी बात है ना, मुझे ऐसा लगता है कि निदा, इंसान, हम लोग सब जब काम करते हैं, मैंने पहला प्रोजेक्ट किया था ना, तो मैं बहुत नर्वस थी,
और वो खैर आपके ही शायद इंटरव्यू में मैंने बताया कि मुझे ऐसा लगता था कि हर कोई सोच रहा है कि यार इसको तो निकालो, जो भी अगर आपस में दो लोग बात कर रहे होते थे, कहते हैं कि पॉजिटिव सोचना चाहिए, मैं नहीं सोचती थी तो जो भी कोई दो लोग बात करते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये कुछ गड़बड़ ही लगता है। हाँ ऐसे ही लगता है क्योंकि ऐसा लगता है आप बहुत कुछ खराब कर रहे हो काम। तो मुझे होता है कि जो लोग गुड सोल हैं, जो अच्छे लोग हैं, काम के लिए आए हुए हैं, तो उनको आप बिल्कुल कंफर्टेबल रखें और उनके साथ हर हर टाइम पे वो उनका चाहे उरूज हो, जवाल हो, स्टार्टिंग हो, एक ही तरह से मिले। और ऐसे लोग याद रह जाते हैं। और क्या ऐसे लोग, मतलब मैं पीछे मुड़ के देखूं तो बड़े कम लोगों में से मुझे लोग याद रहते हैं, उनमें से एक यमुना भी है। मुझे लगता है मुझे लगता बाकी इस वक्त कुछ याद रहे या ना याद रहे, ये जरूर याद रखिएगा कि 26 जनवरी को नायाब रिलीज हो रही है सिनेमाघरों में और जरूर हमें जाना है, हम सब जाएंगे क्योंकि भाई शुक्र है कोई तो फिल्में बना रहा है। Exactly. है ना, तो हम एहसान मंद है उन लोगों के जो फिल्में बना रहे हैं ताकि हम सिनेमा जा सके। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज मेरे पास मौजूद है नायाब मूवी जो 26 जनवरी को रिलीज होने वाली है सिनेमाघरों में, उसकी कास्ट मेरे साथ नायाब यानी यमुना जैदी मौजूद हैं, उसामा खान मौजूद हैं और अभी अभी ज्वाइन इन किया है बड़ी एक ज़बरदस्त पर्सनालिटी मुझे लग रही है क्योंकि मैं इनसे पहली दफ़ा मिल रही हूँ, एम फवाद खान हमारे साथ मौजूद है जो कि थिएटर के नापा के एक्टर है और अब नायाब में आपको एज अक्का जी नजर आए। थैंक यू। कैसे हैं? आई एम वेरी गुड, बिल्कुल ठीक ठाक, मजे में। तो वो मतलब आपकी फुल मैंने देखते ही पहचान लिया कि ये थिएटर पर्सनालिटी है, ये थिएटर से एक्टिंग पढ़ के इन्होंने कुछ लुक चेंज भी किए। अच्छा, लुक चेंज किया ना, वो फिल्म से तो लुक काफी चेंज हो गया अक्का का है। ये तो हर दफा जब भी मुझे मिले मैंने कहा अक्का आप इतने डिफरेंट लग रहे हैं, कहते यमुना बॉबी मैं वो कैरेक्टर कर रहा हूँ। अरे 15 डेज 20 डेज में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं ये बिल्कुल। मैं ट्रेलर पे मिला और मैंने कहा अच्छा आप हैं, आपके साथ तो हम काम कर चुके हैं। एग्जैक्टली वो हाँ एक्चुअली उन्हीं दिनों प्ले हुआ था तो बस। तो आप भी एक नायाब को नायाब बनाने का एक पिलर है, वन ऑफ द, है ना? मतलब लाइक आपको देखकर हर लड़की सोचेगी काश मेरा भाई भी ऐसा हो। आई होप सो। और शायद भाइयों को भी थोड़ी शर्म आ जाएगी कि हम थोड़े ऐसे बन जाए। हाँ वैसे भाई होते सपोर्टेड, बड़े भाई जरा स्ट्रिक्ट भी होते हैं। मेरा कोई बड़ा भाई है नहीं इस वजह से मैं इतना ज्यादा रिलेट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जो केमिस्ट्री दिखाई हुई है अक्का की और नायाब की इस फिल्म नायाब में, तो मुझे ऐसा लगता है कि आइडियल भाई है, आइडियल भाई है, गोइंग टू लव हिम। तो ये पहली फिल्म है आपकी भी? पहली फीचर लेंथ फिल्म। पहली पहली ओ माय गॉड, सब पहली। सिर्फ एक वो है जो जिनको फिल्मों में कास्ट इसलिए किया जाता है कि गारंटी हो कि पता चल जाए कि फिल्म में मैंने कहा कोई पाकिस्तान की फिल्म ऐसी नहीं है जो आपके बगैर बने भाई, आप तो मस्ट हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो पाकिस्तानी फिल्मों की जो एक पहचान है जावेद शेख साहब, उनके अलावा आप तीनों की और हमारे जो फाइनेंसर हैं, प्रोड्यूसर हैं, उनकी भी ये पहली फिल्म है, जो मेरे डायरेक्टर हैं उनकी भी ये पहली फिल्म है। यस, जो राइटर है अली अब्बास नकवी एंड उन्होंने लाल कबूतर और वो पहले लिखी हुई है। सो ये वाली बात होती है ना, पहली 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 एफर्ट होती है ना, उसमें सब अपनी जान मार देते हैं, तो इन सब लोगों ने अपनी जान मारी है इस फिल्म में आप लोगों की खातिर। सो 26 जनवरी को मुझे लगता है आप भी थोड़ी सी जान मार लें, थोड़ी हिम्मत करें, जिसके पास रक्षा है वो रक्षे में बैठे, जो टैक्सी में, जो गाड़ी बाइक जिसमें भी बैठ के जा सकें, अपने करीबी सिनेमा घरों में जाएं और लेकर जाएं फैमिली को, साथ फैमिलीज को लेकर जाएं, फ्रेंड्स के साथ देखें और एंजॉय करेंगे, बहुत एंटरटेनिंग है, बिल्कुल रिलेट करेंगे, रिलेट करेंगे। सो आपका ताल्लुक थिएटर से है, नापा से आपने पढ़ा और पढ़ाते भी हैं? जी हाँ, पढ़ाते भी हैं, करते रहते हैं, थिएटर भी करते रहते हैं यही, और दास्तान गोई भी करते हैं, ये भी एक काम है। सो जैसे थिएटर और फिल्म एक अलग मीडियम है, आपको इतनी प्रॉब्लम तो नहीं हुई थोड़ा एक्ट करने में फिल्म के मीडियम में? नहीं, मतलब वेब सीरीज वगैरह में काम किया हुआ है पहले, तो थोड़ा सा एक आइडिया है, और टेलीविजन पे भी पहले काम किया हुआ है, लेकिन अब वो टेलीविजन का काम खासा अरसा हो गया, वेब सीरीज का काम बीच में काफी चलता रहा, सो वो है। लेकिन यस,
मीडियम मुख्तलिफ हैं, दोनों की एक अलग तरह की परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन बेसिक्स दोनों जगह एक ही एक ही होता है। एक्टर तो एक्टर है, वो तो जो बॉर्न एक्टर है वो तो कुछ भी उससे करवा लो। सो कुछ इन नायाब के इन एक्टर्स से, कुछ आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज से सवालात करते हैं हम, नायाब सवालात, ठीक है ना? दिल से करीब नायाब चीज जो कभी चोरी हुई हो और आज तक दुख है उसको। मेरी कैट, बड़े दिन, क्योंकि बिल्ली एक ऐसी चीज है जी, चोरी हो गई। हाँ, बिल्ली एक ऐसी चीज है जो कभी रास्ता नहीं भूलती, अगर कोई गो जाए घूम जाए वो वापस आ जाती है, उसको बोरी में बंद करके छोड़ना पड़ता है। वापस ना आए तो उसका मतलब है कि वो चोरी हो गई है। और मैं बड़े दिन तक रोती थी, उसके बाद मैंने पेट रखा ही नहीं क्योंकि गुम हो जाने वाले, स्कूल कॉलेज में होती थी, पुरानी बात। और वो बिल्ली क्या सड़क से ही उठाई थी या क्या? नहीं नहीं, साइमीज मोटू, इतना बड़ा मेल कैट था, उसका नाम छोटू था, बेचारा घूम गया। और कितने अरसे रही तुम्हारे पास? मेरे पास पांच बिल्लियां थी, पांच कैट्स थी, और मेरे ख्याल से दो तीन साल तो थी। दो तीन जी 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 जी। उसामा आप बताएं कौन? मेरा एक सेलफोन गुम हो गया था। ओहो, और वो नायाब था। हाँ, अपने पैसे उस जमाने में, वो उस जमाने में सेल फोन में सारे कॉन्टेक्ट होते थे ना। तो अब कहाँ होते हैं? अब तो वो iCloud पे आ जाते हैं, तो आप किसी और सिम डालें तो आ जाते हैं। उस जमाने में वो सिम में होते थे, चोरी हो गया तो बस गया। और एक वक्त अजीब सा काम लगता था कि फिर दोबारा से, और वो मेरी हरकत भी ऐसी थी, मुझे अफसोस हो, चोरी तो नहीं हुआ सच, वो ऐसे मैंने हाईवे पे रुका था चाय पी, तो जिस तरह रुकते हैं चाय पी, गाड़ी के ऊपर सेल फोन रखा, वो चाय रखी पी, मैं वापस आ गया गुजरा वाला, जब पहुंचा तो गाड़ी के ऊपर नहीं था सेल फोन। तो कैसे होता? आपका ख्याल है फिल्म चल रही है, सफर पे गया गाड़ी के ऊपर निकल गया, जब गुजरा वाला पहुंचा तो नहीं था। हिलेरियस जी, आपकी जिंदगी में कोई नायाब चीज? चोरी तो मेरी खास कोई ऐसी चीजें नहीं हुई है, लेकिन बचपन में एक गाड़ी थी पीले से रंग की, जो कि मुझे बहुत अजीज थी, मतलब वो डिंकी कार कोई खेलने वाली। हाँ, हाँ, हाँ। और उसी से मैं खेलता रहता था, एक दिन घर आया तो वो टूटी हुई थी। ये नहीं पता चला तोड़ी किसने, पेन वाज जस्ट इट हैज वो, अब मैं सोचता हूँ कि वो खिलौना सामने आएगा तो इंसान कैसे रिएक्ट करेगा बचपन का, लेकिन ये तो बातें भी थिएटर वाली कर रहे हैं, दास्तान। दैट वाज अ वेरी इमोशनल मोमेंट। कोई एक नायाब दोस्त जो छोड़ के चला गया, अक्सर होते हैं दोस्त बाहर पढ़ने चले जाते हैं, या कोई एक नायाब दोस्त जो दूर हो गया हो? बिल्कुल, लेकिन मुझे ऐसा लगता है दोस्ती ख़त्म नहीं होनी चाहिए, टूटनी या छूटनी नहीं चाहिए, लेकिन जो दोस्त शायद छोड़ जाते हैं वो फिर शायद दोस्त नहीं होते हैं। यार अक्सर लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि उनकी शादियां हो गई और किसी और मुल्क चली गई या किसी और शहर चली गई, तो फिर वो कनेक्शन नहीं रख पाती। लड़के तो फिर भी रख लेते हैं, लड़कियां नहीं रख पाती। तो कोई याद है तुम्हें कोई ऐसी बचपन की दोस्त, कोई ऐसे? बिल्कुल, मुझे मैं ये नहीं कहूँगी, बट ये कि बस कनेक्टेड रहना चाहिए, कोई वजह या कोई ये तो उस दोस्त को मैसेज नहीं रहना चाहिए कि आप किसी ना किसी तरह आप छोड़ के चले जाएं। शिकायत कर रही जबकि मेरी शिकायत है, नाम बताना। हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से यमुना जैदी अपनी नायाब दोस्त को एक मैसेज कन्वे कर रही है। नायाब दोस्त टेलीग्राम पहुंच गया है। जी आप बताइए। मेरा एक दोस्त था बचपन में, उठते बैठते खाते पीते सब साथ, फुप्पो का बेटा, तल्हा नाम है उसका, तो 2016 में वो यूके गया था और फिर वो वापस नहीं आया। हाँ। अभी आया हुआ है, मैंने जाना था मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा आज ना जाएं आप, 8 साल बाद हमने मिलना था। चलो आज ना जाए, मतलब प्रमोशन, वो लाहौर आया हुआ। ओके, अच्छा वो सब मुझे कह रहा है यमुना मैंने लाहौर जाना है, मैंने कहा तुम एक दिन के लिए क्यों लाहौर जाना चाह रहे हो, तुम शो के लिए आओ, तुमने शो में होना चाहिए। हम 8 साल से मिले नहीं। हाँ। और हमारा क्योंकि उसकी शादी होगी वहाँ जाके, तो उसकी जो बीवी है उसको मैं पसंद नहीं हूँ। दोस्तों जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं उनकी बीवियां उनके शौहरों की आपस में बनती नहीं है। तो हम टर्की में मिले एक दफा, तो उसकी बीवी ने कहा जो बात करनी है मेरे सामने करो, बाहर नहीं जाना। फिर क्या फायदा? तुम भड़काते हो क्या उसको? नहीं, भड़काता नहीं हूँ मैं, तो
अच्छी मतलब अच्छी है, मुझे लग रहा है सही पॉइंट पे पहुंची है। ये भड़काता होगा यार, नहीं, उसको बच्ची उधर देख, इधर क्या देख रहा है। असल में वो लगता है ना 8 साल से वो दोस्त के साथ ही है, तो लगता है वो, मेरे ख्याल उसने उसी को लगता है कि मैंने ही माँ हूँ, मैं ही साथ रहती हूँ हर वक्त, कोई और बंदा हो तो इनसिक्योर हो जाती है। तो अब वो आया, उसको सुनने के बाद बेटा जो तुम लाहौर जा रहे हो वो भी तुम्हें, अगर उसने ये सुन ली ना बातें तो, हाँ नहीं मुझे पता है, मैं तो मुंह पे कह देता हूँ, दोस्ती भी है तो बस ठीक है। तो मतलब वो नायाब दोस्त छिन गया, वो नायाब दोस्त छिन गया, बात बहुत कम होती है। हाँ। तो 8 साल एक बड़ा गैप होता है, और आप हमेशा सोचते हैं कि जिन लोगों के साथ आपने जर्नी स्टार्ट की थी ना, हाँ। मैं दुबई गया था जॉब ढूंढने के लिए, वो यूके गया था, तो जिन लोगों के साथ ने स्ट्रगल स्टार्ट की होती है कुछ अचीव करने के बाद, वो लोग आपके साथ नहीं होते ना, तो आपको अफसोस होता है। अफसोस होता जी। एक तो वैसे आजकल बहुत से लोग मुल्क छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, और मेरे तो बहुत दो करीबी दोस्त जो है वो ऑस्ट्रेलिया चले गए, दोनों ने शादी कर ली। शादी का करने का दुख है या जाने का उनका, दोनों ने आपस में शादी कर ली। अच्छा। और वहीं पे चले गए। बट ये कि सुनील मेरा बहुत अच्छा दोस्त, जोशिंदर, बोथ ऑफ देम वेरी क्लोज फ्रेंड्स, दे आर लिविंग, अच्छा ना बॉन्ड उनका और वो स्ट्रांग हो गया। सुनील हैज मूव्ड टू, सुनील शंकर मूव्ड टू, यस सुनील शंकर इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस फिल्म, या एंड मेरे मैंने साथ बख्तावर में भी काम किया हुआ है, तो ओके। तो अच्छा है ना, ऑस्ट्रेलिया आप जाएंगे तो होटल में नहीं ठहरना पड़ेगा, दो दोस्त मौजूद हैं। ओके, एक नायाब, देखे कभी कभार अम्मा अब्बा की डांट बाद में जाके पता चलता है कि नायाब थी, या किसी टीचर की डांट कि इसने हमें कुछ बना दिया, तो एक नायाब डांट जिसने आपको फायदा पहुंचाया। मुझे तो हर नायाब डांट ने ही फायदा पहुंचाया। हाँ। मैंने तो हर किसी से डांटे खाई हैं और सुनी हैं, अपनी वालदा से, नानी छोटी से, हो ना तुम सबसे, डायरेक्टर से, ओ बहन भाइयों से, छोटा भाई भी डांट देता है, सबका सबकी ही डांट मुझे फायदा पहुंचाती है। लेकिन मैंने ये नोट किया है कि आजकल आप किसी बच्चों को, किसी को डांट दो तो आगे से उनका मूड खराब हो जाता है। मैं सोचती हूँ मैंने तो इतनी डांटे खा के, आप सीखते हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन ये थोड़ा सा एड ऑन करना चाहिए अपनी उसमें कि आपके अंदर इतना पेशेंस हो कि आप डांट खाएं और सुने और अपने आप को थोड़ा सा सही करें। हाँ, बच्चे बातचीत बंद कर देते हैं भाई। एग्जैक्टली, सो हम तो पिटे भी हैं और क्या। एग्जैक्टली, तो जी, तो आप बताएं आपकी कोई एक नया डांट जो आपको। अच्छा, मेरी भी ये स्टोरी है कि हर बंदे से डांट सुनी है तकरीबन। बेचारे बहुत मासूम लोगों की फिल्म जरूर देखिएगा आप जाके, 26 जनवरी को दो मासूम लोग यहां बैठे हुए बहुत दुखी हैं। लेकिन ये हुआ है कि हर बंदे की डांट को मैंने बड़ा कंस्ट्रक्टिव लिया, और मैंने सोचा कि हाँ यार ये डांट रहा है तो कोई रीजन होगा, अब्बू डांट रहे हैं या अम्मी डांट रही है, तो मैंने कभी भी मैंने रिएक्ट नहीं किया। हाँ। एक सर्टेन एज में हो सकता है किया। अब तो अब्बू मुझे, मैं आपको बताया था, अब्बू कहते हैं 10 बजे के बाद घर में ना एंटर होना। यहाँ 3 बजे के बाद हम घूम रहे होते हैं। अच्छा। अब्बू कहते हैं 10 बजे घर पे हो, तो मैं कहता हूँ ठीक है, कह दिए तो मान लेते हैं। हाँ। उस तरह डायरेक्टर ने अब्बा ने आपको डिसिप्लिन बना, मतलब कर दिया, ये नायाब डांटे खा खा के आप। हाँ ना, तो वही मैं कह रहा हूँ, नायाब डांटे सुन के फायदा हो जाता है। और दूसरा, डायरेक्टर से जब आपको डांट पड़ती है तो वो भी आपके फायदे के लिए कर रहे हो। हाँ। तो लाजमी बात है, अपने उसके लिए थोड़ी कर रहे होते। और आजकल मैं जिन डायरेक्टर के साथ काम कर रहा हूँ वो कभी गुस्सा कर देते हैं, अचानक से कहते मैं गुस्सा नहीं करता, तो मुझे लगता है कर भी दे तो कोई बात नहीं। घर में भी गुस्सा करते हैं और कहते हैं मैं गुस्सा नहीं करता। यासिर भाई, यासिर नवाज। अच्छा, हम दोनों एक कश्ती पे सवार हैं अभी। अच्छा। लेकिन अब मैं भी गुस्सा कर देता हूं, वो डांट देते हैं ना, यासिर भाई डांट देते हैं ना, तो आगे से कहते नहीं नहीं मैंने गुस्सा नहीं किया। पर अब तो उनको डांटने के बाद वो कहते हैं यार मैं सही कैसे करूँ उसको, अंडू कैसे करूँ। वैसे गुड पर्सन यही सोचता है कि उसको अंडू कैसे करूँ अगर डांट दे तो। ये इसलिए हमारी शादी इतनी लंबी चल गई है, माशाल्लाह। जी, आपकी कोई नया डांट? मैं, मुझे लगता है बहुत सारी डांटे रही हैं, लेकिन और मैंने भी उनको बड़ा कंस्ट्रक्टिव लेने की कोशिश की है, मगर कोई खास खास फर्क नहीं पड़ा। मैं आप भी वही बच्चा है जिसने बहुत डांटे खाई हैं। मैंने नहीं इतनी ज्यादा, मतलब हाँ सबसे डांट पड़ी है, बहन से भी पड़ी है, मैं सबसे छोटा था घर में, मगर ये कि मुझे लगता है कि मैंने डांटों का बहुत अच्छा असर लिया नहीं, मतलब फायदा नहीं हुआ। फायदा नहीं हुआ। हाँ। मैंने उनको मुझे लगा कि वो जस्टिफाइड हैं जो वो कर रहे हैं। मेरी बीवी भी डांटती है और वो जस्टिफाइड लगती है मुझे। हाँ। आपको लगता है कि वो सही डांटते हैं आपको? सही डांट रहे हैं। तो फिर उसका फायदा क्यों नहीं हुआ? वो क्योंकि मैं कुछ कर नहीं पाता ना अपने आप के ऊपर। आप दूसरा रस्सी के बल, रस्सी जलेगी बल नहीं गया, नहीं वो किसी और जगह यूज करते हैं। हाँ, तो कोई बात नहीं, कुत्ते की तुम टेढ़ी तो टेढ़ी टेढ़ी ही रहती है। हाँ। वो रस्सी जल गई बल नहीं गया, वो किसी और उसमें यूज कर। बिल्कुल ठीक है। हाँ, थोड़ी सी उर्दू मेरी बेहतर है।
हाँ भाई, अच्छा कोई एक नायाब चीज जो मैंने अपने पैसे जमा करने के बाद बड़े दिल से अपने लिए खरीदी हो? वो है जनाब, बहुत तो बहुत सारी चीजें हैं, बट आई थिंक दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग, ये जो ये पहनी हुई है ना मैंने, पहन के दिखाओ जो जरा, हाँ दिखाओ, क्लोज क्लोज ये जरा प्लीज, मेरे कैमरामैन फोकस करें, फोकस, छोटा सा, दोनों एक जैसे नहीं, ये एक है, ये एक है, ये तो आर्टिफिशियल है, तो ये मैंने खरीदा अपने लिए, अपने लिए शौक था कि मैं अपने लिए कोई गोल्ड की चीज लूं, गोल्ड की, पहली बहुत ही क्यूट है, डेलिकेट, बहुत टाइम पहले की बात है, संभाल के कैसे रखी, 10 साल तो नहीं हुए क्या? हाँ वैसे 10 साल हो गए, 10 साल हो गए, इसको टेढ़ी मेढ़ी होगी, देखिए इसकी शेप कितनी डी शेप्ड सी है, लेकिन कितनी क्यूट है, मेरी जान है, मैं कहती हूँ कभी ना घूमे तो, तुमने अपने अपनी कमाई से पहली दफा खरीदी थी, तो तुमने क्या मतलब देखकर, तुम जब ज्वेलर के पास गई उसने, तुमने कहा सबसे कम गोल्ड, मेरी बहन की शादी थी जितने तो पैसे हैं उतने उसके लिए ना, जो हाँ तो उनके लिए हम वो सेट वगैरह जो होता है, तो मैं, मेरे पास भी थे पैसे, तो मैंने कहा कि देखती हूँ कि अगर कुछ इफ आई कैन बाय समथिंग, उसमें कोई फिटन आए, एग्जैक्टली, तो उसमें फिटन ये आ रही थी, और मुझे बहुत अजीज है, मेरी बहुत जानू, हर वक्त पहनी रहती हूँ मैं, हर वक्त कैरेक्टर में भी मैं ये नहीं उतारती हूँ, ये अंगूठी मेरी रहती रहती है, अगर कोई निकाले तो बहुत सारी ड्रामाज में मैंने ये पहनी हुई, ये एड ऑन है, बट दिस इज वेरी, I love this. और ये होता है ना कभी, मतलब ये बचा के रखते हैं, अल्लाह के शुक्र है कि बच्ची इतनी पतली सी है, घूम घूम नहीं गई, घूम नहीं गई, कई दफा मैनी पैडी करते हुए आप उतारते हो तो इसके लिए, और एक चीज जो मेरी प्रोड्यूसर यहाँ पे एगी एग्नेस जो है, उन्होंने मुझे बहुत ही हसीन नायाब का गोल्ड का लॉकेट जो कि एग्जैक्टली नायाब के फॉन्ट में लिखा हुआ है, वो हमारी पूरी टीम को उन्होंने गिफ्ट किया, तो मेरे पास भी है वो पेंडेंट, और वो गुम गया, जी वो पेंडेंट है, वो मेरे से गुम गया, निदा मैंने पूरा घर उथल पुथल कर लिया कि मुझे वो मिल जाए, लेकिन फिर मुझे किसी ने बताया कि कोई चीज़ खो जाती है ना तो उसको ढूंढना छोड़ दें, आपको फिर खुद ही मिलेगी, वापस आ जाती है, तो मुझे खुद ही मिल गई, और कहते हैं गोल्ड की चीज कभी कभार खोना लकी होता है, अम्मी तो मुझे कहीं थी अच्छा नहीं होता है? तुम्हारी गोल्ड, अच्छा, मैंने उल्टा सुना है फलाना टिमका, नहीं नहीं अम्मी तो हर चीज को कहती है ना कि अच्छा नहीं हो रहा, मैं अम्मी से कहती हूं अम्मी प्लीज, सो या ये, हां भाई आप बताएं आपने क्या जमा पूंजी करके अपने लिए क्या नायाब तोहफा अपने आप को दिया? मैंने जब मैं बिल्कुल बैंक में जॉब करता था तो मैंने पहली कमाई से एक वो बिस्किट लिया था गोल्ड पे, बिस्किट लड़के कब लेते, क्या मतलब बच्चा कमाने लगते तो उसको कहते बेटा अपने लिए जमा करना शुरू कर दो, मैंने तो ये सुना है लड़के जो है अपनी माँ को सोने की कंगन डाल देते हैं बाद में उन्हीं के काम आते हैं, नहीं ये भी किया मैंने, लेकिन सबसे पहली जो चीज दी थी वो बिस्किट लिया था, वेरी गुड, उस टाइम सस्ता बहुत था ना गोल्ड, लेकिन फिर भी मुझे भी याद है 49,000 का तोला मिला था मुझे, हाँ वैसे उस जमाने में मैंने भी लिया हुआ है, गुड है भाई, वेरी गुड, लड़कों को ये करना चाहिए, जी आप बताइए। मैं बहुत ज्यादा दिल लगा के कोई चीज ऐसे पैसों से खरीदने वाली, मुझे लगता है सब चीज बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाती है, याद करें जो आपने बनाई हो लिखी हो, मतलब खुद अपनी कमाई से, अम्मा अब्बा की कमाई नहीं बोल रही हूं, अपनी कमाई की बात कर रहा हूं मैं, मगर ये कि बहुत ऐसा कोई मुझे अपनी कमाई के बाद कोई ऐसी बहुत कोई मिशन नहीं है आपका कि मैंने फलाना आईफोन लेना है या कोई कोई ऐसा मिशन जो आपका है ना, उनका मिशन है कि कोई अच्छी किताब हो, कुछ लिखा हुआ किताबों का भी है क्या, वो भी बहुत आसानी से अवेलेबल है सब जगह पे, ऑनलाइन अवेलेबल है, सो इट्स जस्ट आई जस्ट फील के वो जो एक जमाने में मिसाल के तौर पे मैं यहाँ ये आर्टिस्टिक बैठे हैं, यहाँ मटेरियलिस्टिक लोग बैठे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है अक्का की बातों के बाद, ऐसी बात नहीं कर रहा मैं, कह रहा हूँ कि इट्स जस्ट कि अब चीजें बहुत आसानी से अवेलेबल हैं, आप क्या बता रहे थे, मैं कह रहा था कि एक जमाने में मैं बस में बैठकर रेनबो सेंटर जाता था फिल्में खरीदने के लिए, जो कि उस जमाने में हमारे पास डीवीडी प्लेयर नहीं था, लेकिन डीवीडीज पे फॉरेन लैंग्वेज मूवीज वहाँ पे अवेलेबल होती थी, वो कौन सी थी भाई मसलन बहुत सारी कई सारी रानी मूवीज कोई इटालियन फिल्में, सो वो मैं लेने के लिए वहाँ जाता था, और वो देखी मैंने किसी एक जमाने में मूवी मैजिक करके एक चैनल आता था उस पे ये फॉरेन लैंग्वेज मूवीज आती थी, वो मैंने वहाँ देखी हुई थी, आई कुड नॉट वॉच देम, लेकिन वो लेके मैं आता था कि ये अब मेरे पास है, जब डीवीडी प्लेयर नहीं था, हाँ कैसेट की बात कर रहे, कैसेट के नो डीवीडी प्लेयर, तो उन्होंने कहा कि जब डीवीडी प्लेयर आएगा तब मैं देखूंगा, दैट वाज समथिंग दैट आई, वो मुझे लगता है कि वो वक्त अब चला गया है, अब एवरीथिंग इज सो मच इन एक्सेस, हां एक्सेसिबल है सब, अच्छा वो कोई एक नायाब मोमेंट
जो आप लोग दोबारा जीना चाहते हैं, है ना, कोई ऐसी चीज हो जाती है और अब रिवर्स करें, अक्का से शुरू करें, हर दफा मुझे अक्का जो है वो जवाब देने में जो प्रैक्टिस नहीं है, मुझे लगता है उनको बहुत टाइम लेते हैं, सबसे ज्यादा जवाब लेट यहां से मिलते हैं। उसामा से कर ले, चले उसामा, चलो कोई एक मोमेंट स्कूल कॉलेज, मतलब आज भी मेरे ख्वाब में अगर मैं आता है तो स्कूल की मेमोरीज आती है। हां, मेरी टीचर ने कहा था मुझे ये बात, उस वक्त हम कहते थे क्या है पढ़ाई है, वो कहती थी ये टाइम निकल जाएगा ना, तुम लोग याद करोगे, ये वो टाइम है जिसमें सिर्फ टेंशन पढ़ाई की है, जिंदगी में और कोई टेंशन नहीं है तुम लोगों के, सिर्फ पढ़ाई की टेंशन है कि एग्जाम है। मेरे जो स्कूल के दोस्त थे ना, वो ही आज मेरे दोस्त है कॉलेज वगैरह में, उसके बाद कोई दोस्ती बने, क्योंकि फिर मैंने चेंज करता रहा, मैं इस्लामाबाद गया, लाहौर गया, तो वो जो दोस्त थे ना मेरे, उनसे आज भी दोस्ती है, और स्कूल के मोमेंट्स है ना वो आज तक रिकॉल होते हैं, और कोई दूसरी मेमोरी नहीं। हाउ नाइस। अच्छा, मुझे निदा ऐसा लगता है कि मैं तो हर मोमेंट को इतना चेरिश करती हूँ, कोई भी कुछ अच्छा सीन परफॉर्म कर दूँ तो लगता है कि वाओ, मैं गुड फील करती हूँ, और कुछ परफॉर्मेंसेस ऐसी हैं जिन पे मुझे बड़ा फ़ख्र है, तो उस पे मैं कहती हूँ कि मेरे लिए बड़ा नायाब मोमेंट था। मेरी जो ज़िंदगी का असल ज़िंदगी का चेरिश टाइम शुरू हुआ ना, वो हुआ जब मैंने अपना ये काम करना शुरू किया। उससे पहले मेरी पर्सनैलिटी बड़ी डरी, स्कूल वॉज नेवर अ गुड मेमोरी, गवर्नमेंट स्कूल वेरी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट सिस्टम, कॉलेज में भी ना क्या रिजल्ट क्या है नंबर, यहाँ पे ना मैंने बड़ा फ्लरिश किया जो मैंने एक्टिंग का शुरू किया। सो फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स एवरी मोमेंट विनिंग एन अवार्ड और डूइंग एनी ग्रेट सीन और गेटिंग एनी गुड स्क्रिप्ट, मेरे लिए बड़ा अच्छा यही है तुम्हारी और मेमोरी। अम्मी, अम्मी को आके हग करना, हाँ। वो मेरे लिए बड़ा प्यारा है, हाँ। जाने से पहले, हाँ। घर छोड़ने से पहले और घर एंटर होते के साथ अम्मी को हग, हाँ, हाँ। ये वाला मोमेंट, इसके लिए तुम वो कहते हैं ना, किसी मोमेंट के लिए हम जीते हैं। ओह यस, आई लव इट। अब आप सोच के रखें जवाब, ब्रेक के बाद मैं आपको अच्छा सा टाइम दे रही हूँ, सोचे वो मोमेंट, या वो भी नहीं है, सही नहीं होगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। 26 जनवरी को रिलीज हो रही है नायाब, जरूर जाके देखिएगा, आपके फेवरेट स्टार्स नजर आएंगे आपको अंडर वन रूफ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, जिनका हमने जिक्र किया था कि पाकिस्तानी फिल्में इनके बगैर ना मुकम्मल है, और अगर आपको फिल्म को फिल्म दिखाना है सो इनका नाम कास्ट में आना जरूरी है। जावेद शेख साहब ने अभी अभी ज्वाइन इन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको रास्ते में हिचकियां नहीं आई, हम आपका जिक्र कर रहे थे। मुझे हिचकियां आ रही थी गाड़ी। तो आपकी माशाल्लाह एक और फिल्म रिलीज हो रही है नायाब, अ वेरी गुड फिल्म, आई एम वेरी गुड फिल्म, वेरी वेल डायरेक्टेड, वेरी वेल रिटन, and obviously sab log maujood hain, all the hai. stars, exactly. and sare pakke actor hain, haan. yes, alhamdulillah. so mashallah, ye 2023 mein aapne kitni filmein record ki, kitni aapse main pooch sakti hu, drama to aap karte hain, filmein sabse zyada aapke sehra pe hongi na? I know magar dekho 2023 mein bahut kam filmein bani aur release hui hai, usse pehle bahut hui hai, haan, haan. to wo thoda sa ek beech mein abhi गैप आ गया, जो अभी खत्म हो रहा है, हाँ, तो वो इंशाल्लाह अब ये चलता जाएगा। अभी मैं परसों फिर एक फिल्म की शूट के लिए लंदन जा रहा हूँ। अच्छा, हाँ, तो गुड है, ये तो गुड है भाई। तो वो अब सिलसिला वो दोबारा शुरू हो गया, अपनी एक फिल्म मैं मार्च अप्रैल में शूट करूंगा लंदन में। आप शुरू कर रहे हैं फिर से? yes, हाँ, आपकी हिम्मत हो गई है? मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा। अच्छा, बट आई एम जस्ट प्रोड्यूसिंग दैट फिल्म। मैंने कहा भाई थक जाता है बंदा डायरेक्टर। हाँ, नहीं मैं टीवी के आ गया है। नहीं निदा, बात ये है कि काम इसमें से टाइम नहीं मिलता, तो मैं वो अपना नुकसान नहीं, तो आई हैव हायर्ड अ डायरेक्टर, उससे मैं करवा रहा हूँ। एस्थेटिक सारे आपके होंगे, चीजें आपकी, तो आप मुझे बताएं आपने नायाब क्यों सिलेक्ट की? नायाब क्यों सेलेक्ट की? मैंने नहीं सेलेक्ट की, उमेर साहब मेरे पास आए और मुझे कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ। मैंने कहा सर आपने इसे पहले क्या बनाया? जो डायरेक्टर है हमारी फिल्म, जो डायरेक्टर है ना, अच्छा। तो वो उन्होंने कहा भाई कुछ नहीं, मैं पहली ऐसी डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो अच्छा क्या कहानी उन्होंने मुझे सुनाई। उस वक्त भी मुझे लगा कि ठीक है, काम ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं लगा कि कोई तोप चीज़ होगी। हाँ। मैं लगा ठीक है, अच्छा है, डिफरेंट है, यू नो, चलो रोल बहुत अच्छा है, कास्ट माशाल्लाह बहुत अच्छी है, हाँ। सो
हमने हामी भर ली और वो हो गया फिल्म, हमने स्टार्ट की, हमने काम किया, होता गया बहुत अच्छा, उनका काम देखा एज ए डायरेक्टर, इट वाज अ बिट डिफिकल्ट सम टाइम और क्या, एक डिफरेंट आंख होती है डायरेक्टर को, तो सब पता होता है। yes. तो आप खुद भी डायरेक्टर? हाँ, नहीं वो मैं कभी बोलता नहीं हूँ किसी के काम में, बट एक होता है ना यार, क्योंकि इनका अंदाज जो है टेकिंग का वो डिफरेंट था। अच्छा, इधर से भी है, उधर से भी है, ये भी है, वो भी है, वो भी, बार दफा थोड़ा सा बंदा वो हो जाता है। हाँ। बल्कि एक दफा तो मैं गुस्से में भी आ गया था रात के तीन बजे, तीन बजे याद है, रमजान में रात के तीन चार बजे वो कह रहे हैं यार एक शॉट इधर से, और मैंने नहीं देना बस। अच्छा जावेद सर सब खामोश, जावेद सर नहीं बस, नहीं बस हो गया यार खुदा का बस। खैर एनी हाउ वो एक कभी कभी ऐसा ऐसा, मैं कभी ऐसा करता नहीं, नहीं करते, मैं वही तो कह रही हूँ, तीन फिल्में तो हमने की है। आई एम डायरेक्टर्स एक्टर एक्चुअली, तो खैर वो थोड़ी देर के लिए वो था, वो सारा कुछ हो गया, वो भी समझ गए ठीक है यार, लेकिन आउटपुट अच्छी होती है। ऐसे नहीं, ऐसे बहुत, मैं ये इस बात पे एक बीच में बात बताता हूँ, वो हम नदीम बेग के साथ वो कर रहे थे डॉली की आएगी बारात, तो उसमें एक डांस था सब सारे एक्टरों का, तो सारे एक्टर, सबा, मैं, बुशरा, ये वो सारे जितने भी एक्टर थे वो गाने पे डांस कर रहे थे, तो उसने गाना शुरू किया था कोई 7:30-8 बजे और सुबह के 6 बज गए थे और नाच रहे वो थक गए। अच्छा वो पूरा गाना लगाते थे, गाना भी अच्छा था तो हम पूरा डांस करते थे। तो 5:30-6 बजे जब एक हमने देखा कि ये फाइनल है, तो हमने खूब जोर लगा कर किया, तो थोड़ी देर के बाद नदीम आया, कहने लगा बस वेरी गुड यार, सारे वेरी गुड, अब एक फाइनल दे दो। मैं तेरी भाग इधर से, फाइनल दे दो। तो मतलब है तो फिर अच्छे, क्योंकि नया अच्छे काम के पीछे ये सारी मेहनत होती है। बिल्कुल। तो फिर ऑब्वियसली डबिंग पे जब मैं गया तो मुझे पहली दफा स्क्रीन पे नजर आए चीजें, विच वाज वेरी गुड, वेरी अट्रैक्टिव, बहुत अच्छा लगा। और जब इसका ट्रेलर आया तो ट्रेलर ने तो समा बांध दिया। अब मिसाल के तौर पे मैंने ट्रेलर, उमेर साहब ने मुझे कहा कि यार वो जरा इम्तियाज अली को भेजना जरा ट्रेलर, तो मैंने उसको भेजा इम्तियाज अली, और उसी वक्त इम्तियाज साहब का मैसेज भी आ गया, वाह वेरी गुड यार, ये तो मुझे लग रहा है कि वो तमाशा में ऐसे था तो तुम भी ऐसे। मैंने कहा हाँ बस ऐसे ही है कुछ, एक्सक्यूज मी पाकिस्तानी। तो वो मैंने उमर साहब को बताया, तो ही वाज वेरी हैप्पी, ही लाइक्ड इट, एंड देन आई सेंट इट टू सबा हमीद। अच्छा, क्योंकि अभी उनके साथ वो किया है जैसे आपकी मर्जी। जी जी जी। हाँ, तो वो मैंने उनको सेंड किया, कहती जावेद व्हाट इज दिस, मैंने कहा क्या हुआ, अरे वाओ फैंटास्टिक, अमेजिंग लुक। अच्छा ये बात खत्म हो गई, फिर वो जो डायरेक्टर हैं लाहौर के, क्या नाम है इसका, शहजाद रफीक, मुझे फोन आया, हेलो जावेद साहब ये क्या है, नायाब क्या है? मैंने कहा नायाब क्या है यार, कमाल है भाई, ये तो एब्सोल्युटली अमेजिंग, ये अब लोग बहुत इंतजार में हैं, 26 जनवरी का इंशाल्लाह सिनेमा घरों में लग जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। और उन्हीं लोगों में से कुछ सवाल हैं जो हमारे यहाँ बैठे हुए सेलेब्रिटीज हैं, उनसे कुछ पूछना चाहते हैं, आइए जरा मैं कुछ देर के लिए होस्ट बना देती हूँ आपको स्क्रीन। अस्सलाम वालेकुम यमुना, पहले तो आप बहुत प्यारी हैं, आपकी आंखें, आपके बाल और आपके बोलने का स्टाइल तो इतना अच्छा है, और इतनी मासूम सी हैं आप, वो वाली लड़की हैं जिसे हर अम्मी चाहती है कि वो अपनी बहू बना ले, और आप जो है वो हर अम्मियों की पसंद है। लेकिन अब मुझे आप ये बताएं कि अब तक कितनी अम्मियाँ आपके पास रिश्ता लेके आ चुकी हैं अपने बेटों का? क्या क्या क्या, कितना रिश्ते आ चुके हैं अम्मियों की? कह रही है हर, आप ऐसी हैं कि हर सास आपको बहू बनाना चाहती है, हर औरत
अच्छा वो आंटी है मेरे शो पे ही आ गया था एक दो लास्ट टाइम आई थी तो इसका रिश्ता मेरे शो पे ही आ गया था भाई हाँ, लेकिन वो मेरे ख्याल से मेरी वालदा के पास मेरे पास तो कोई डायरेक्टली नहीं आते लेकिन मेरी है पर्सनालिटी ऐसे कि लोग पसंद करते हैं और उनका बहुत शुक्रिया और बहुत उनके खुलूस और मोहब्बत का बहुत शुक्रिया तो बहुत लोग कहते हैं बस ये है कि इस सवाल से ज़्यादा थोड़ा सा मैं अनकम्फर्टेबल हो गई नहीं मैं सिंपल सवाल इसका जवाब मैं सवाल सिंपल बना देती हूँ कि वो तो वो सोचती हैं लेकिन यमुना क्या सोचती है कि अगर यमुना को जैसे अपनी जिंदगी में भी एक पिलर एक सपोर्ट चाहिए होगी जाहिर है हर लड़की को होता है नेचुरल फिनोमेना है सो वो क्या चीज देखेगी ये तो वो देखते हैं ना उनकी छोड़ो हमें तुम्हारी फिक्र है तुम क्या सोचती बस मैं ये सोचती हूँ कि कोई ऐसा इंसान हो जिसके साथ जितनी जिंदगी मैंने अब तक गुजार ली है अच्छे से तो बाकी की जिंदगी भी उसी तरह अच्छे से मैं गुजार सकूं अपग्रेड हो अपग्रेड हूँ या जो भी जैसे भी अल्लाह ने लिखा होगा लेकिन ऐसा हो कि साथ जिंदगी कंपेनियनशिप अच्छी गुजर जाए सो या वो वाली जी 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 इम्पोर्टेंट बेसिकली वो डेफिनेटली जी आवाम अस्सलाम वालेकुम जावेद शेख साहब आप तो एवरग्रीन हीरो हैं आपकी जोड़ी आपकी मूवीज बहुत हिट रही मैंने आपकी बहुत सारी मूवीज देखी अगर आप आज के दौर के हीरो होते तो आप कौन सी हीरोइन के साथ बार बार आना पसंद करते चलें भाई आपकी बारी आ गई आपकी बहुत सारी इन्होंने मूवीज देखी हैं और आपने सारी हीरोइंस के साथ काम किया लेकिन अगर आज के आप हीरो होते तो किस हीरोइन के साथ बार बार उसके ऑपोजिट आना पसंद करते ये तो मैंने सोचा ही नहीं पहली बार सोचे ना मैं बड़ा अच्छा सवाल है जावेद सर बड़ा अच्छा सवाल है वैसे ये बड़ा अच्छा सवाल क्योंकि खवातीन में आपकी चॉइस बड़ी हमेशा आला रही है हां नहीं क्या मतलब एक और कॉफी दो जावेद साहब को मेरा सवाल समझ नहीं अच्छा मैं बताऊं मुझे लगा था कि जावेद सर ना भूल जाते हैं मैंने इनके साथ दो प्रोजेक्ट्स किए हैं तो मैंने कहा यार आप तो भूल जाते हैं जब भी मिलते हो ऐसे मिलते पहली बार लेकिन ऐसी मेमोरी है कि इनको याद है कि हम लास्ट टाइम कब मिले थे जी ऐसा हमें लगता है कि भूल गए ऐसा नहीं है इनको नहीं पता है इनको पता है आप ही के शो में ये आया था पता नहीं कितने साल पहले मैंने कहा तुम मुझे यहाँ मिले थे तो अब आप बात इधर उधर ना ले जाए लड़कियों की तरह अब आपने सोचा तो मैं ये कह रहा था कि उसामा जो है ना नहीं उसामा की बात नहीं करनी मुझे क्या मुझे वो बात करनी कि आज की यार यू आर लुकिंग डिफरेंट ये आदमी कुछ शर्मीले नहीं हो गए ये क्या बात हुई नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी स्टार्स हैं चार पांच तो ये टॉप की एक्ट्रेसेस जो है ना उसमें और इस फिल्म में भी इसका काम कमाल है एंड शी डिड अ गुड जॉब गुड जॉब इसकी पहली फिल्म है बट मेरी दुआ है अल्लाह ताला इसको कामयाब करे और इंशाल्लाह ये इसके लिए अवार्ड विनिंग फिल्म होगी पहली बार इवन ही इज आल्सो ब्रिलियंट एक्टर बात हो रही है ना इधर उधर क्यों जा रहे हैं नहीं मैं वैसे बात कर रहा हूँ वो देखो ना फिल्म के हवाले से वो भी तो होना चाहिए ना तो यमुना हो गई सज्जल हो गई इकरा हो गई सबा कमर हो गई यू सी ये तो बार बार किसके साथ हीरो आते हैं आप नहीं बार बार तो ये डायरेक्टर पे डिपेंड करता है मैं कोई हीरो की भी चॉइस होती है मेरे साथ उसको एक जमाने में थी जी जी मेरे साथ उस लड़की को आप वो जब चॉइस थी उस वक्त मैं कहता था कि नीली होनी चाहिए तो अगर आज की नीली कोई होती तो वो कौन हीरोइन होती ये पूछे ना ये पूछ देखो ये आई डोंट नो हां आई डोंट नो Yes. बड़ा सवाल वैसे बड़ा अच्छा है आज की नीली होती अच्छा। तो कौन होती हाँ। मगर लेकिन उसके लिए सुना यमुना सवाल अच्छा है वक्त अच्छा नहीं है चले भाई मैं इतना ज्यादा मुश्किल में नहीं डालना चाहती हमारे अपने तालुकात घरेलू के तालुकात सो इसलिए आगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज जैसा कि आपको पता है कि एक आर्टिस्ट की जिंदगी फैंस के बगैर जो है वो इनकम्प्लीट है तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऐसा फैन जिसने आपकी जिंदगी बवाल कर दियो और हाथ धो के आपके पीछे पड़ गया हो ये सवाल तो सबसे है कोई ऐसा फैन जो आपके दायरे पीछे तो पड़ते ही लेकिन जान अजाब कर दियो जान अजाब चलो तुम बताओ तुमसे शुरू करें अच्छा मेरे से एक है मतलब मेरे घर का एड्रेस मेरे नंबर कभी मैं सेट पे चला जाऊँ तो कोई केक आ जाता है कभी कोई
बहन की तरफ कोई गिफ्ट आ जाता है मेरा, कभी मेरे घर आ, कभी मुझे मतलब किसी जगह से रेस्टोरेंट से कॉल आ जाती है आपके नाम पे खाना है, आपको कहाँ डिलीवर करना है, तो जान तो नहीं अजाब हो रही है, तो बड़ा तो ये गलत है ना और क्या, तो ये गलत है ना, मैं कहीं भी जाए तो ऐसे लगता है जैसे मतलब मैंने तो कोई जासूस, उसको सब पता है तुम्हारे घर वालों का भी, तो अम्मी के पास कोई नहीं, अम्मी ने कोई लड़का है लड़की है ये तो पता करो, लड़की है वैसे, लड़की है, फैन गर्ल्स वहां ना पहुंच जाए अम्मी के पास, वो एड्रेस संभालो जी यमुना कोई ऐसा अच्छा, मैं तो कहूंगी कि मेरे तो जितने भी फैंस हैं उनसे कहीं किसी किसी जिंदगी के उसमें मैं नहीं कह सकती कि जान अजाब में आ गई, कोई जुनूनी होता है लेकिन पता? जान अजाब में नहीं कहेंगे, जान अजाब इन द सेंस कोई जुनूनी होता है हाँ। जैसे फॉर एग्जांपल शगुफ्ता इजाज ने मुझे बताया था जुनूनी औरत उनके पीछे पड़ गई थी जो लाइक इसी तरह एड्रेसेस निकाल लेती, तो आप डरने लगते हो कि ओह माय गॉड। अच्छा वैसे हाँ। वैसे तो खैर फैंस हैं और पूरे सब गिफ्ट्स भिजवाते हैं, सब कुछ है, बहुत उनकी मोहब्बत खुलूस का हाँ। मुझे सपोर्ट करते हैं उसी का बहुत करते हैं, मैं कहती हूँ मुझे बड़ा फख्र है मेरे सारे फैन ग्रुप्स पे, लेकिन ये है कि एक फैन ने मैंने एक दफ़ा अपने अपार्टमेंट के बालकनी से एक छोटी सी वीडियो लगाई और उसके कोई 2 महीने के बाद मुझे एक फाइल रिसीव हुई जिसमें बहुत सारे लेटर्स थे कि हाउ डिड ही ट्रेस इट, हाउ डिड उसको कैसे पता चला, वो लाइक काफ़ी उस एरिया में 10 डेज तक घूमते रहे, उसकी सारी रिसर्च उस फाइल में हाँ घूमते रहे कि वो बिल्डिंग कहाँ है जो जिस टेक्चर का वो बालकनी, तो दैट वाज क्वाइट ओह माय गॉड क्वाइट डिफरेंट फॉर मी, कोई जगह जासूस था और वो हाँ और वो फिर वो स्केरी भी कह सकते हैं लेकिन खैर लोगों को रीच नहीं होती ना, लेकिन वो फिर जो लेटर वो सब चीजें, तो मैंने कहा अच्छा तो ये है। थोड़ा सा स्केरी हो जाते हैं, अरे 10 दिन तक आप एक जगह पे घूम रहे हैं जस्ट टू फाइंड आउट के व्हाट द बिल्डिंग इज एंड व्हाट द एरिया इज, so that was quite was quite different or unique for प्यार भी मतलब definitely ये प्यार ही होता है लेकिन कभी कभार प्यार ऐसा होता है कि प्यार जब जुनून बन जाए, मेरे मतलब मेरे आईडी कार्ड पे मेरी अम्मी का नंबर भी है और सबके नंबर और सबको मैसेज एक एक जा रहा होगा तो मुझे आएगा कि यार ये कहाँ से लीक हो रही है सारी यार समय तो नेक्स्ट लेवल है, नादरा वाली तो नहीं है मतलब एक पुराने एक बंदा था जिसको मैं नंबर लेके दिया हुआ था वो नंबर उसने चेंज कर लिया था, उसको भी मैसेज चला गया कि ये आप बाय द वे आईडी कार्ड पे कितने नंबर निकलवा सकते हैं, नायाब के बाद इनको भी आएंगे खून के खत, फिक्र नहीं करें। अच्छा क्या आप क्या पूछ रहे हैं, मैंने आपसे सवाल किया कोई जुनूनी फैन जिसने आपकी जान अजैब कर दी है, मैंने तो नहीं पूछा उसने, बहुत हाँ बहुत ज्यादा खैर बहुत है मगर छुपा किस तरह है बातें, कौन टीवी देख रहा है मुझे बताए है? आज आप वो वाले जावेद साहब नहीं लग रहे, आज आप नहीं। कुछ बातें आप छुपा किसी रहे को बता कर रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ, देखो ये नायाब की प्रमोशन के लिए है, अभी मैं एज एन एक्टर आया हूँ तो ये बातें जरा रख अगले प्रोग्राम के लिए, तो वो यस बहुत से मेरे क्रेजी फैन जो जब मैं फिल्मों में आया तो कराची से वो ट्रेवल करके लाहौर आते थे, रात भर मेरे घर के बाहर कैंट में रहता था, वहाँ बैठे रहते थे और वो यानी कि इस बात को 30 साल हो गए मिसाल के तौर पे, वो आज भी मेरे फैन हैं, उन्होंने मेरे नाम की फेडरेशन बनाई हुई है और वो हर साल मेरा केक काटते हैं, मुझे आते हैं, तस्वीरें भिजवाते हैं, हाथ चूमते हैं, हाथ उनके कांपते हैं, उसमें से बच्चों के बाप बन गए हैं और उसमें से कुछ ने मेरे नाम से अपने बच्चों के नाम रखे हुए, जावेद इधर आओ, हाँ जावेद शेख, तो मैंने कहा यार बुरी बात है तुमने मेरा नाम रखा, लोग क्या समझेंगे, शेर तो नहीं रख दिया सबने, कह रहे लोग क्या समझेंगे तो वो नो यार दैट्स एब्सोल्युटली ग्रेट, ऐसे होते फैन हैं और आजकल के टाइम में भी मेरे बहुत माशाल्लाह बहुत फैन यू नो, तो वो और फिर ऊपर से मुख्तलिफ नाम की तंजीमें बनाई है हाँ। उसकी इससे नहीं बनती, उसने जावेद शेख इंटरनेशनल बना ली, ये जावेद शेख फलाना बना लिया, जावेद शेख जावेद से नहीं कहाँ पे है सब चीजें, जैसे हमारे पास तो आजकल इंस्टाग्राम होता है नहीं, तो नहीं, इंस्टाग्राम पे तंजीमें बकायदा फिजिकल, ये तो फिजिकल है, वो तो मेरे दफ्तर में आते हैं और वो किसी होटल में वो
20-25 लोगों का वो इंतजाम करते हैं मेरे, जब मेरी बर्थडे आती है केक कटक वहाँ पे केक कटता है पूरा, अगर मैं नहीं भी हूँ वो पूरे एहतमाम के साथ केक काटेंगे, मेरी तस्वीर लगाएंगे और वहाँ से रिकॉर्ड करके जावेद साहब, यू नो क्या बात है, अमेजिंग। अगला सवाल, आजकल तो सोशल मीडिया पे हर कोई दूसरा बंदा सेलिब्रिटीज को ट्रोल कर रहा होता है, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कमेंट या किसी मीम से आप बहुत ज़्यादा ट्रोल हुए हो और आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए, आपका दिल दुखा और आपको रोना आया हो? हाय हाय, क्या कभी ट्रोल सभी होते हैं, हर कोई हो रहा होता, चाहे वो सियासतदान हो, सेलिब्रिटी हो। अच्छा, ट्रोल से मुराद ये है आपका कि कोई ऐसा कमेंट हो जिससे दिल दुख का? जी 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 जी। अच्छा, मैं तो उसको ऐसे लेती हूँ कि चलें कोई घर पे बैठ के अगर कुछ लिख के किसी का दिल खुश हो गया है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। आई मीन करना नहीं, मैं बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेती। कोई तो ऐसी बात होगी जो सीरियसली होगी, थोड़ा सा तुम्हें ज्यादा बुरा लगा होगा, क्या यहाँ तक नहीं पहुँचना चाहिए था, ये लिमिट पर मैं लीगल एक्शन ले लेती हूँ, हाई कोर्ट तक चली जाती हूँ। लिया है तुमने कभी? बारे में मैंने सुना है उन्होंने किसी को। वाओ, ये तो आई सपोर्ट यू। हाँ हाँ हाँ, यानी कि अगर कुछ 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 ज्यादा चीजों पे अगर वो हो तो वो उस पे आपको थोड़ा सा वो लेना, लेकिन जो ये कमेंट्स और वो सब चीजें होती हैं तो ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं। यानी कि तुम उसका मुकाबला करती हो, डिस्टर्ब नहीं होती? मैं डिस्टर्ब नहीं होती, और मैं जो ये जो कमेंट्स और ये लोग जो कर देते हैं उनको मैं बराह रास्त भी कहना चाहती हूँ कि मैं ये सोचती हूँ कि चले मेरा तो कुछ भी नहीं होता उससे, कोई मेरे बारे में कुछ भी कॉमेंट करे, I am focused where I have to go. But अगर कोई कुछ कह रहा है और उसका दिल खुश हो गया कुछ कह के, अल्लाह बल्कि हिदायत दे उन तमाम लोगों को, तो कोई बात नहीं, हो जाए वो दिल हल्का हो। पता नहीं वो भी कितना कुछ अपनी जिंदगी में फेस कर रहे होंगे। निदा, तो उनका गुबार निकल रहा है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। या सो मेरा तो ये स्टैंड। जी उसामा, आप बताएं ये क्या पिंग पिंग पोंग पोंग क्या खेल रहे हैं हम बॉल इधर उधर। अच्छा, कमेंट्स तो इस तरह से बॉदर नहीं करते क्योंकि सारी दुनिया को ऐसे कमेंट्स आते हैं तो इट्स ओके, इतनी फील नहीं करने वाली बात। हाँ, वो तो बस ऐसे ही। एक पेज ने मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में बड़ा कुछ लिखा था, वो मुझे बड़ा बुरा लगा था, मैं बड़ा अपसेट हुआ था। बस यही वक्त है उसामा, लो बदला। मुझे लगा, मैंने उनसे बात करना छोड़ दी। मुझे ये लगा कि यार आप किसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है या आपको लगता है कि हम बड़ी कोई इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे हैं, तो अगले बंदे से फोन करके एक दफा पूछ तो लो यार, ये बात कंफर्म तो कर लो कि बात सच्ची भी है कि नहीं। अपनी तरफ से बिल्कुल 100% बता रहे हैं कि जी ये सच्ची खबर है और आपको खुद पता नहीं है कि असल में है क्या बात, बैकग्राउंड क्या है उसका। मतलब आज तक वो चीज मुझे कहीं ना कहीं तंग करती है क्योंकि जो जिन लोगों ने लेट गो करो भाई, क्या इतना क्या? मैं आपको बताऊं सारी बातें इंटरनेट पे झूठी। नहीं वो, अरे वो किसी वो किसी और बात थी, मैं भी वही गलत समझी थी, वही बात ना। अच्छा, मैंने किसको मुबारकबाद दे दी थी। हालांकि आम लोग जो है वो तो बेचारे और सीरियस समझते हैं, यूट्यूब वीडियोस अलग अलग होती है। अरे अरे, मेरी अम्मी यमुना, ये फलानी जगह ये हुआ था, उसने, मैंने कहा अम्मी आपने किसी को बोलते हुए सुना है? प्लीज आप यूट्यूब के थंबनेल्स पे मत जाया करें यार, आपने बोलते हुए किसी को अपने मुंह से कोई बोल रहा हो ना। लेकिन असल में होता है कि YouTube के एक नॉर्मल पेजेस बनते हैं, उसमें तो ऐसे होते हैं एक्टर इतने कमाते हैं, इसने इससे शादी कर ली, ये हो गया वो हो गया, वो एक नॉर्मल चीज होती है। एक बड़ा रिलायबल एक ब्लॉग हो तो आपको उस पे तो होता है ना यार, ये लोग पूछेंगे आपसे। हां, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उस पे मुझे लगता है पर आपको थोड़ा सा दुख हुआ जावेद साहब। मैं इधर तो आए ना, ये बेचारे बोल रहे हैं यार, उसका भी वक्त आएगा भाई। मैं मेरा मेरे मुझे नहीं, उनको हमने एक सवाल सोचने के लिए दिया है। हां क्या, 15 मिनट पहले टेंशन क्यों ले? नेगेटिव कॉल। हां जी जी जी, नहीं नहीं, मैंने कहा नया आपके बाद इंशाल्लाह आएगा ना, तो आप अपना बताएं। अपना क्या बताऊं? अच्छा, मैं ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। जावेद साहब जरा सोच ले और आप लोग भी जाग ले, क्योंकि 26 जनवरी को नायाब आ रही है आपके करीबी सिनेमा घरों में। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। नायाब के जो सेलिब्रिटीज हैं, जिनके जिनको आप स्क्रीन पे देख सकेंगे 26 जनवरी से सिनेमा घरों में, उनसे तो आप मिल लिए, लेकिन एक फिल्म को बनाने के लिए जो एफर्ट लगती है ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में, वो एक बहुत बड़ी बात है। जाहिर है यहाँ इस मुल्क में ये इस दौर में ये सोचना कि चलो हम अपने नाज़रीन के लिए, हम अपने पाकिस्तान को कुछ देते हैं,
फिल्म बनाते हैं, बहुत बड़ी बात है, तो मैं सैल्यूट करूँगी। इस फिल्म के प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं। प्रोड्यूसर्स में शामिल हैं डेविड कैनी एंड एग्नेस कैनी हमारे साथ। एग्नेस अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। और कैप्टन ऑफ द शिप डायरेक्टर उमेर नासिर अली हमारे साथ, वेलकम टू द शो। शुक्रिया एंड आपका शुक्रिया कि आप लोगों ने फिल्म बनाने का सोचा। मैं तो हर प्रोड्यूसर को थैंक यू करती हूँ, क्योंकि मैं तो वो हो गई हूँ परेशान के क्या होगा सिनेमा घरों में। बीइंग अ प्रोड्यूसर आपने खुद काम किया है ना, जी तो so मुझे ज़्यादा कदर है आप लोगों की। और इन लोगों की फर्स्ट फिल्म है, और थैंक्स फॉर चूजिंग दिस सब्जेक्ट। इन दोनों ने इससे आगाज लिया कि पाकिस्तान और उसके लिए कुछ बनाए और मोटिवेशनल कुछ बनाए। अच्छा, आप दोनों प्रोड्यूसर डायरेक्टर से मेरा ये इज्तमाही सवाल है कि ये वाला सब्जेक्ट जो है थोड़ा वन लाइन हमें थोड़ा सा अगर आप बता सकें कि और ये किसकी तरफ से आया? उमेर गए हैं आपके पास एग्नेस, या एग्नेस गई हैं उमेर के पास ये फिल्म बना दो? नहीं, उमेर मेरे पास इनिशिएटिव किसने लिया? उमेर का इनिशिएटिव। अच्छा, बिल्कुल उमेर लेके आए थे मूवी मेरे पास। सो इसका वन लाइनर है, ये एक कराची की एक कहानी है प्योरली। Okay. और उसके अंदर एक लड़की की स्ट्रगल है जिसका नाम नयाब है, तो सभी को ही पता है। लेकिन जेनेरिकली होलिस्टिकली इट्स अ फैमिली ड्रामा विद बैकड्रॉप ऑफ क्रिकेट, एंड इसके साथ क्रिकेट जुड़ा हुआ है। अच्छा, क्रिकेट जुड़ा हुआ है। आपने कहा कि पाकिस्तान पागल है क्रिकेट के पीछे, सो वो उसको वही चीज़ देखनी है जाहिर है स्क्रीन पे। डेफिनेटली ये एक कॉन्सेप्ट था कि जी जो पब्लिक देखना चाहती है उनको दिखाएं, लेकिन उसमें दूसरे एस्पेक्ट्स भी है। इट्स नॉट ओनली क्रिकेट, लाइक इट्स बेसिकली अ फैमिली मूवी। ओके ओके, सो इट्स नॉट एग्जैक्टली आई वुड से दैट इट्स रिलेटेड टू क्रिकेट। तो अगर मैं कहूँ कि फिल्म में आपको एक फैमिली जो एक दूसरे को सपोर्ट करती है वो एस्पेक्ट्स दिखाए गए हैं, इमोशंस हैं। जी जी, देखें बुनियादी तौर पे जो सिनेमा की बात अभी हम करते हैं तो कनेक्टिविटी बड़ी मिस होती है जब आप सिनेमा में जाते हैं। तो जो व्यूअर है उसको ये लगना चाहिए कि इसकी कहानी है, या जो वो इंसान है वो मैं हूँ, या जो किरदार है ये मैं हूँ, जो ये बात कर रहा है शायद ये मेरे जुमले हैं। जिस टाइम में वो कनेक्शन बिल्डअप हो जाता है ना, तो आई थिंक वो कहानी की जीत होती है। और इसके स्क्रिप्ट में, स्क्रीन प्ले में, इसकी ओवरऑल बनाने में उससे भी इन्हीं चीज़ों का ख्याल रखा गया है कि रिलेटेबल रहे कहानी। रिलेटेबल रहे। अच्छा उमेर, अगर मैं आपसे पूछूं, आपकी भी ये पहली फिल्म है एज डायरेक्टर, सो जाहिर है जब आप कोई पहला काम कर रहे होते हैं फिर उस पर आप जावेद शेख को साइन करेंगे, फिर जुमना जैदी को करेंगे, उसामा को, सो ये लोग पहले से ही वो कहते हैं ना बड़े हाथी बन चुके हैं टीवी स्क्रीन के, मंजे हुए अदाकार है, और फिर एक नया डायरेक्टर क्या बन चुका है? बड़े हाथी। मैं ना बोल जाती हूँ कुछ ना कुछ, बड़ा हाथी तो होता है ना 1.25 लाख का। ओके जी, तो मैं पूछना ये चाह रही थी कि जब आप इनको साइन करने गए सो एक डायरेक्टर को पहले दिखाना पड़ता है ना अपना पिछला काम, मैंने ये किया ये, सो मैंने इनको कैसे कन्विंस किया? आई थिंक मेरे ख्याल से स्क्रिप्ट ने शायद इनको कन्विंस किया, क्योंकि यमुना के साथ तो पूरी रीडिंग मैंने कमर्शियल वैसे किया हुआ है यमुना के साथ। अच्छा, पहले आर्ट फिल्म की भी है। आप कमर्शियल डायरेक्टर बेसिकली फिल्म से पहले, सो यमुना ने तो स्क्रिप्ट पूरा सुना था, तो आई थिंक वो क्लिक किया। आई थिंक इनकी सबसे अच्छी चीज ही यही है कि ये मेरे ख्याल से इनका विजन बहुत अच्छा है चीजों को देखने का, ये दूर तक देख सकती हैं कि वो क्या चीज है जो पढ़ रही हैं। देख लेना करियर में एक ड्रामा देती है, यही इनकी आई थिंक सबसे बड़ी कामयाबी है। आई थिंक बहुत मुश्किल होता है किसी इंसान के लिए ये पिक करना कि ये किस हद तक इसके अंदर कितना जूस है या इसमें कितना कॉन्टेंट कितना स्ट्रॉन्ग है। मेरे ख्याल से यमुना के जितने आप प्रोजेक्ट्स चाह रहे जितने देख लें आप, उसके अंदर ये बात वाजे तौर पर नोट करेंगी कि वो हमेशा उनमें कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ है या कोई ऐसी बात है जो शायद पिक कर लेते हैं बाकी नहीं कर पाते। कि यमुना का स्क्रिप्ट सेंस बहुत अच्छा है। स्क्रिप्ट सेंस बहुत स्ट्रांग है उनका, क्योंकि जब बहुत सारे एक्टर्स को ये पता होता है कि ये जो स्क्रिप्ट मेरे पास है ये तो क्लिक करेगा करेगा, ये उसकी एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ होती है। सो वो एक बहुत बड़ी बेस थी आई थिंक जिसके लिए। और शेख साहब, तो मुझे शेख साहब का लगता था कि शेख साहब का बहुत बड़ा पोटेंशियल है जो बहुत अरसे से ना मुझे लगता है वो अपनी पीक पे नहीं पहुंच पा रहा। मुझे लगता कि लग रहा था कि काफी सालों में ना हम शेख साहब को देख रहे हैं, बहुत फिल्मों में आए हैं, कॉमिक रोल्स भी करते हैं, चीजें भी करते हैं, लेकिन इनके अंदर एक बहुत बड़ा एक्टर है, इतना बड़ा एक्टर है जो कि शायद बॉलीवुड में हम जिनको प्लेस हमने बड़ा टाइम लगाया बनाने में, बॉलीवुड जिनके नाम लेता है जी कि अमिताभ है, लेकिन शेख साहब इज़ अ ह्यूज एक्टर। और आप उनको देखेंगे जो उन्होंने परफॉर्मेंसेज नायाब में दी हैं, मेरे ख्याल से कि मैंने शेख साहब की वैसी परफॉर्मेंस मुझे बीइंग डायरेक्टर मैंने नहीं देखी। हमें भी देखनी है 26 जनवरी को। सारा डायरेक्टर पे करता है कि एक्टर से कैसे काम लिया जाता है। बिल्कुल, तो आई थिंक आप लोग देखेंगे नोट करेंगे इसको,
और फवाद जैसे, फवाद के लिए तो मेरे ख्याल से ही इज़ वन ऑफ द बहुत ही पिकी एंड चूजी है स्क्रिप्ट को लेके, क्योंकि आपने शायद पूछा होगा कि इनके प्रोजेक्ट्स बड़े कम ये करते हैं, थिएटर में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, कि इनको शायद वो मिलता ही नहीं है मार्जिन इन किरदारों में कि जिसमें ये कुछ क्या करें, देख नोक पलक करके करेंगे ना जाहिर है। और उसामा का तो उसामा ने ब्रिलियंटली, आई थिंक उसामा पे हमने बहुत बहुत ही अच्छी एक्टिंग, बड़े लकी चल रहे हो आजकल, बहुत अच्छी। मैं ये सोच रही तुम्हारा 2023 मेरे बारे में कुछ बोल, मैं बता नहीं डेडिकेशन बता रहा हूँ। मेरे ख्याल से स्क्रिप्ट के बाद उसामा रातों में मेरे पास अलग से आए हैं, अलग से बिल्कुल, जब कोई भी नहीं था। एक्सक्यूज मी क्या है? हेलो जावेद साहब, आपको ज्यादा, हेलो यस, हेलो यस, दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन, ओह माय गॉड, ओ लला। तो उसामा ने बहुत एफर्ट और उसामा ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, मतलब आप लोग देखिएगा, जबरदस्त भाई, जबरदस्त। ये सवाल सबने मुझसे पूछा कि उसामा ने एक्टिंग कैसी की है, और उसामा मैंने सबको कहा कि उसामा ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। जो मैंने दिल से सवाल एग्नेस आपसे पूछना चाहती हूँ, डायरेक्टर ने खर्चा बहुत ज्यादा तो नहीं करा दिया? नहीं देखो, ये तो ये डायरेक्टर ऐसा है कि रमजान में हमने बहुत शूटिंग की है, तो सारा जो इफ्तार का जो खाना पीना तो इनके घर से आता। हाँ, ये हमारे डायरेक्टर और ये हमारी प्रोड्यूसर के घरों से हमारे बहुत ख्याल रखा है इन लोगों ने, हमें बहुत स्पॉइल किया। और एक और मैं बताऊँ, जब मैं मूवी गए तो मैं इनसे पूछा था कि क्या, तो उमेर भाई ने उससे पहले रिसर्च अच्छी खासी की हुई थी कि जो एक नॉर्मल क्रिकेटर जो लड़कियाँ हैं उनके ऊपर अच्छी खासी रिसर्च थी कि वो लड़कियाँ क्या सोचती हैं, उनकी फैमिली में क्या क्या मसले चल रहे होते हैं, उनके अगर कोई उनके साथ जो जो मैरिड नहीं है या सिंगल है या कमिटमेंट है तो क्या क्या इश्यूज होते हैं वहाँ पे, तो वो सारी चीजें उनके पास रिसर्च ऑलरेडी थी। क्योंकि मैंने उनसे जाके बोला तो उन्होंने कहा देखो उनके भाई इस तरह से बात करते हैं, वो चाहती हैं कि ये हो, उनका जो पार्टनर है वो किस तरह से बिहेव करे वो ये चाहती हैं, लेकिन उनको ऐसे नहीं मिलते। तो पूरी एक अच्छी रिसर्च इन्होंने की हुई थी। जब मैं इनसे पहली दफा मिला तो उन्होंने पूरा सब कुछ होमवर्क इनका, तो जो राइटर है वो और आप दोनों ने मिलकर रिसर्च की थी? हम लोग, मैं अली अब्बास नकवी, बासित नकवी, दोनों राइटर्स हैं। इन्होंने इससे पहले लाल कबूतर और एक और एक तेरी मेरी कहानियां में भी उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म शुरू की है। सो मैं और रुमीना जो हमारे साथ एक प्रोड्यूसर है उमेर इरफानी के साथ, तो हमने काफी रिसर्च जाके बहुत सारे कैंप्स में लड़कियों से मुलाकात की, गए हमने, बहुत टाइम गुजारा उनके साथ। और सिर्फ ये नहीं है कि ऊपरी रिसर्च थी कि सिर्फ पेपर पे की, हमने खुद ही जाके देखते थे, हम लाहौर भी गए इस चक्कर में, पूरा हमने पूरा सोचा कि क्या होता है, और फिर उस बड़ी चीज़ को कनेक्ट किया। थोड़ी सी बस यहाँ बात करूँगा कि जो राइटर्स का जो जिस टाइम पर पार्टीशन हुआ था पाकिस्तान में, तो जितने राइटर्स थे वो अगले 15-20 साल तक पार्टीशन के बारे में कहानियाँ लिखते रहे। तो आज का जो राइटर जो डेवलप हुआ 90s में या लेट 80s में, तो उसके जो शौरी तौर पे वो वही लिखेगा जो उसने एक्सपीरियंस किया कहानी में। तो हमने उस कहानी को फिर कहीं ना कहीं जोड़ा है उस परी शहर के बैकड्रॉप के साथ, और एक कंटेम्प्रेरी और एक जो हमारी विजुअल्स इमेजरी रही है इतने सालों की, वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। अच्छा, मैं इस बात पर हैरान हूँ, जब हमारी टीवी की एक्ट्रेसेस फिल्म में आती है ना, तो उनको ग्लैमर चाहिए, बड़ी स्क्रीन है। हमारी जो यमुना है, इसने पहली फिल्म की है, और इसका जो आप अगर पूरा टायर देखें, बड़ा रफ टफ, मेकअप भी नहीं हुआ हुआ, बाल भी बिखरे हुए हैं। वो यमुना, मतलब तुमने ये नहीं सोचा यार मैं बड़ी स्क्रीन पे आ रही हूँ, जरा ये बाल उड़े मेरे? मैंने सोचा ही नहीं, लेकिन मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ मेरी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का, कि उन लोगों ने मुझे उस टाइम पे चूज़ किया। खैर, मैं तब भी लोग बहुत पसंद करते थे जब इन लोगों ने मुझे इसके लिए, लेकिन उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे आए जिससे ज़्यादा और मैसेज तक मैं पहुंची। तो इनका भी ये विजन, इन दोनों के विजन को मैं बहुत ज़्यादा वो करूँगी, क्रेडिट दूंगी कि इन लोगों ने मुझे इसके लिए चूज़ किया, क्योंकि और आप तो और खुश हो रहे होंगे जब इसके ड्रामे और हिट हो रहे होंगे, ओ यस हमारी हीरोइन तो इनकी, इनका तो वैसे डेफिनेटली कॉन्फिडेंस था। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे, मैंने कभी भी निदा नहीं ये सोचा कि मुझे बहुत कहीं प्रिटी दिखना है। फिल्म में होता है ना पीछे, जैसे जावेद साहब फिल्में बनाते हैं, हीरोइन के बाल उड़ रहे होते हैं। सबा हमीद ने एक दफ़ा मुझे बोला था, सबा अप्पा ने एक दफ़ा कहा था कि सबसे ज़्यादा ग्लैमरस तब लगती है हीरोइन जब अपने कैरेक्टर में हो, चाहे वो कोई किसी डीवा का कैरेक्टर प्ले कर रही हो या कोई कहीं किसी झोपड़ी में रहने वाली का। तो बस मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मैं ना एक कराची की गली गर्ल
गली क्रिकेट खेलने वाली लड़की लगनी चाहिए, तो वो मेरा टारगेट था 100% लग रही हो। और ये बहुत मुश्किल काम है, ये कैरेक्टर को घुसना इज अ वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत मुश्किल काम है और हर कोई नहीं करता। नहीं नहीं करता, लुक्स का मसला होता है, बाल मेरे कैसे लग रहे हैं, लग रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, लेकिन इन सब चीजों को, लेकिन अगर आपके लिए कैरेक्टर बड़ा हो जाए ना तो फिर ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं। अच्छा, वो भागना गिरना चोटें लगना कोई ऐसी चीज हुई है, क्योंकि जाहिर स्पोर्ट्स क्रिकेट शामिल है तो ये भी तो सब कुछ हुआ होगा ना जी। तो तुम जिम विम जाती हो यमुना? मैंने, मुझे असल में, मैं जिम जाती नहीं थी क्योंकि मुझे जिम जाना, मैं घर पे ट्रेनर को बुला लेती हूँ। अच्छा। और मैं वर्कआउट करती हूँ, मैं जिम में जाने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती। अच्छा। सो जो है वो, खैर जिम भी ज्वाइन करना पड़ा, सुबह उठ के 7-7 बजे ट्रेनिंग्स पे भी जाना पड़ा, इन लोगों ने मुझे ट्रेनर वो हायर करके दिए, कोच हायर करके दिए। क्रिकेट खेलना आता था? नहीं, मैंने, अरे बाप रे, सीखी बॉलिंग, सीखी बॉलिंग, सीखी बैटिंग, मैंने बॉलिंग सीखी, मैंने बॉलिंग कभी, मैंने बॉल तो कभी नहीं करवाई हुई थी, तो वो कोच ने भी बड़े सब्र से मुझे बॉलिंग सिखाई, बैटिंग सिखाई। फिर जो है उस एक दफ़ा तो मुझे मुझे लगता था हर स्टेप कि ये तो नहीं हो सकता। हाँ। तो बहुत भाई थैंक्स टू माय कोच कि उन्होंने बहुत पेशेंस से जी। अब मुझे क्रेविंग होती है कई दफ़ा शॉट मिस कर दूँ, शॉट यानी कि फिल्म के अंदर ऐसे शॉट्स हैं। हाँ। कि लगता है कि ये क्रिकेट की बहुत माहिर। ओह यस, तो सब टीम बन जाएगी। ये सारे लोग भी तो जाते हैं क्रिकेट खेलने, कभी अमेरिका जा रहे हैं, कभी यूके जा रहे हैं, अब हम लड़कियों की। लेकिन मैं कहती हूँ जो सारे स्पोर्ट्स पर्सन हमारे क्रिकेटर्स हैं, फीमेल क्रिकेटर टीम, मेल क्रिकेटर टीम, मैं कहती हूँ वो तो अपनी जान दे देते हैं, इतना मुश्किल है ये उठ के, इसकी ट्रेनिंग, इसकी प्रैक्टिस, इसकी सारी जो आप एक मैदान में जाने से पहले जो तैयारी है ना, वो बहुत, मैंने तो उसका मेरे ख्याल से शायद ए और ए ही सीखा होगा पूरे क्रिकेट का। इट्स अ होल बिग चैप्टर। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी एग्नेस, इस तरह की फिल्म प्रोड्यूस करना जिसमें लाइक कहानी है, रिलेटेबल है, तो होता है ना कि जब प्रोड्यूसर पहली दफ़ा फिल्म प्रोड्यूस कर रहा होता है तो वो कहते हैं यार 5 गाने डाल दो। Yes. 5 गाने होने चाहिए, 1 आइटम नंबर होना चाहिए, थोड़ा रंग बिरंगी फिल्म होनी चाहिए। सो जब इस फिल्म की फील्ड में कोई आता है तो वो ये सोच के आते हैं कमर्शियल मसाला ऐसी वाली फिल्म होनी चाहिए। एग्नेस ने क्या सोचा कि मैं इस तरह की फिल्म प्रोड्यूस करूं? शुरू से, क्योंकि मैं खुद भी फिल्मों, बहुत ज़्यादा फिल्में देखती हूं, बहुत शौकीन फिल्में देखने की, हाँ। तो मुझे हमेशा ये होता था कि जी स्टोरी लाइन क्या, स्क्रिप्ट वॉज माई कंसर्न ऑलवेज, आइटम सॉन्ग सबको पसंद होता है मूवीज में, लेकिन मेरा वो नहीं था उसके ऊपर। हमारा आइटम जो आपने ले लिया है ना, इसके लिए सब आएंगे, ये तो जो एक्टिंग करेगी माशाल्लाह से, इसको प्यार करता है पाकिस्तान ना, कुछ लोग ब्लेस्ड, शी डिजर्व्स इट, शी इज अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस, माशाल्लाह, थैंक यू। सो ये चॉइस किसकी थी वैसे, कि होता है ना कि जब आप पहली फिल्म बना रहे हैं, आप पहली फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, सो आपका हीरो हीरोइन जो है ना वो बड़े नायाब होते हैं आपके लिए, नहीं कास्टिंग जो है बताएं। तो ये कैसे, ये किसने सोचा दोनों में से कि इसको करते हैं कास्ट? आप बताएं कि ये क्या लखनऊ से तो नहीं आया आप पहले? मैं खुद ही बता देती हूँ कि जब मैं, मेरे पास स्क्रिप्ट आई थी और जब वो नरेट हो रही थी तो जब वो मैं सुन ही रही थी तो उसी टाइम पे मेरे दिमाग में सिर्फ यमुना जैदी। तो यमुना जैदी, क्या बात है, बिकॉज यू नो इनके ड्रामे में देखती थी, इनकी एक्टिंग देखती थी और इनका फोटे इमोशंस को लेके कि किस तरह से प्ले करती है। तो जब मैंने स्क्रिप्ट और वो इमोशनल मैं खुद भी हुई स्क्रिप्ट के साथ, तो मैंने कहा अब करेंगी तो फिर यमुना ही करेंगी। और अब हीरो की बारी आई, उसामा साहब, हीरो इसने देखा उसामा को, तो हमने काफ़ी, मैंने बहुत पहले से नोट किया हुआ था, मेरा था दिमाग में कि उसामा ये क्या हो रहा है, वो आप ये कुछ ज्यादा ही आपकी तरफ नहीं हो रहे, रातों को भी आप बुला रहे। मैं सामने बात कर रहा था, मुझे कॉल आई, काजी की कॉल आई थी मुझे, काजी की कॉल आई, उसने कहा मूवी बना रहे हैं, तो मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है सही है, अब मिलना चाह रहे हैं, मैंने कहा हाँ ठीक है, आती रहती कॉल तो आती रहती है, तो मैंने कहा मैं भी मिलना चाह रहे हैं, मैंने कहा हाँ मैं आऊँगा ना तो मैं मिल लूँगा। उसके बाद वो बात आई गई हो गई। एक हम डिनर पे गए तो यमुना मेरे पास आई, उन्होंने कहा तुम कह रहे हो ना, मैंने कॉल की, मैंने कहा है कौन हूँ,
वाकई हो रही है हाँ हाँ अच्छा, आपने सीरियसली नहीं लिया ना फिल्म की पहली ऑफर आई उसामा खान को और नहीं ऐसे कॉल्स तो आती रहती है लेकिन कभी भी उस तरह से आप देखते नहीं ना कि एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर आपको पता नहीं होता कि वाकई जो कास्ट पहले आपको कास्ट कोई और बताई जाती है जब वो फाइनल स्टेज पे पहुंचती है तो काश कुछ और होती है ये बड़े दुखियार हैं हाँ ऐसे तो नॉर्मली होता है ना तो फिर मैंने कहा अच्छा वाकई हो रही है फिर वो मेहर भाई से मैं फाइनली मिला और फिर हमने कॉफी वगैरह पी थी और सब बता दो फिर उन्होंने कहा स्क्रिप्ट रीडिंग के लिए आ जाना तो फिर हम करेंगे लेकिन बस थोड़ा पीछे जाऊंगा आई थिंक ये यमुना का सिलेक्शन ना बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि पाकिस्तान में एक्ट्रेसेस ना इतनी एफर्ट नहीं डाल सकती मुझे तो ये लगता है 3 महीने की ट्रेनिंग करना क्रिकेटिंग के गेयर में जाना ग्लैमर से थोड़ा हटके होगा कैरेक्टर कौन होगा कहानी में क्या होगा टफ स्क्रिप्ट ये आसान स्क्रिप्ट नहीं था मुश्किल स्क्रिप्ट था सो जब आपकी सिलेक्शन होती है ना तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कौन इसके साथ इंसाफ कर सकता है तो आप बताएं कौन इंसाफ कर सकता है अगर आप किसी की हिस्ट्री लेके देखें एक्ट्रेसेस की पास्ट तो आपको कंटेम्प्रेरी एक्ट्रेसेस में मेरे ख्याल से यमुना के अलावा मुझे तो नहीं नजर आता कि कोई इतना इन्वॉल्व होके काम करे जो चाहिए रिक्वायरमेंट है रोल की मैं ऐड करूं उसमें जब मैं क्योंकि मैंने डबिंग में अपने सीन्स देखे थे और जो नॉर्मली आप सीन देखते हैं मैं कहीं और भी कहा था ये कि जब मैंने ट्रेलर देखा पूरा क्या जावेद साहब फवाद भाई ये यमुना मैंने जाके भाई यार क्या अपना लग ही नहीं रहा कि वो कोई एक ड्रामा है जिसमें आपने कुछ करना है वो ऐसे लग रहा है कि नेचुरल एक्चुअल मतलब है ये फील है उसकी जो फील थी वो बिल्कुल ही डिफरेंट फील थी और वो लग रहा था अच्छा इन दोनों का एक सीन था और एक इन दोनों का सीन था वो कनाडा जो लेके जाते आपके नीचे चले जाते और एक इन दोनों का सीन था तो नेकलेस में था या ट्रेलर में ट्रेलर में अच्छा मैंने ट्रेलर डबिंग में तो मैंने नहीं देखा ना डबिंग तो अपनी करते हैं वापस आ जाते हैं लेकिन जब वो मैंने वो सीन्स देखे तो मैंने कहा यार क्या मतलब मजे की चीज है जब ट्रेलर निकल के आता तो एक पता लगता है कि यार ये देखिए आप बिल्कुल मुझे पता है ललचा रहे होंगे हम कब देखेंगे ये फिल्म अच्छा मैंने भी नहीं देखी तो मैं भी ललचा रहा हूं देखूंगा ये जिस ललचाने वाली ये जो इमोशन है इसको संभाल के रखें क्योंकि 26 जनवरी को इंशाल्लाह आप इस फिल्म को जाके देख सकेंगे अपने पूरे खानदान के साथ खानदानी फिल्म है ये गुड मॉर्निंग वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान आज सुबह ये जो हमने महफिल सजाई है सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि आप भी अपनी फैमिली के साथ मज़ेदार महफिल सजा सकते हैं सिनेमा जाके क्योंकि 26 जनवरी को नायाब रिलीज़ हो रही है आपके करीबी सिनेमाघरों में और इतनी मेहनत से इतनी अच्छी डेडिकेशन के साथ ये फिल्म बनाई गई है आप सुन ही चुके हैं इसकी पूरी दास्तान और क्योंकि ये कराची की लाइफ पे बेस्ड है तो आपने क्या गोलगप्पे खाए हैं यहाँ के बिल्कुल नहीं कभी आप रक्षे में बैठी हैं हाँ एक हफ्ते पहले भी बैठी थी अच्छा सो मेरे जो ये आखिरी सवालात हैं वो कराची बेस्ड हैं जो हमारी यहाँ की लाइफ है नायाब से रिलेटेड है क्योंकि ये एक कराची की लड़की जो एक आम इलाके में रहती है स्वीट गर्ल नेक्स्ट डोर ये उसकी कहानी है ये उसके ख्वाब है तो आइए ज़रा कराची के बारे में भी बात करते क्यों हाँ भाई दिखाइए भाई स्क्रीन पर रक्षे का सफ़र कराची हो और रक्षे का सफर ना हो मैं भी कुछ 2 हफ्ते पहले भी रक्षे में बैठी हूँ अच्छा? अच्छा जो तस्वीर आपने दिखाई वो तो लाहौर के रक्षे हैं हाँ। और मैं लाहौर में काफी बैठी हूँ रक्षे में तो इसलिए लाहौर क्या रक्षे का सफर मुझे याद है क्या यार लास्ट सफर कब था तुम्हारा यार रक्षे में लाइक बस मुझे याद नहीं है स्कूल जाते थे रक्षे में स्कूल जाते थे जी 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 अच्छा जी आपको याद है आपका लास्ट बिल्कुल बिल्कुल याद है कोविड के दिनों में मेरे पास यहाँ गाड़ी नहीं थी तो मैं रक्षे में जाता था जी ओके आपको मैं अब मैं जीत जाऊंगी क्योंकि 4 दिन पहले 4 दिन पहले मैं लाहौर में थी एक्चुअली और मुझे जाना था लिबर्टी मार्केट अब मैं और डेविड सुने एक मिनट थोड़ा प्रोड्यूसर की शक्ल भी दिखाए ना नाजरीन को आपकी सिर्फ गाल आ रहा है ये और क्या तो मैं जो है अवारी टावर्स के बाहर खड़ी थी अपने हस्बैंड डेविड के साथ अच्छा और इतना मुश्किल हुआ था रिक्शे के लिए लाइक 15 मिनट ठंड में नहीं तो आप रिक्शे में बैठना चाह रही थी एज वेकेशन पे आने वाले इट वाज माय प्लान के एंड आई वांटेड लाइक डेविड भी एक्सपीरियंस करे जी तो डेविड बैठे रिक्शे में बिल्कुल और 3-4 दफा बैठ चुके हैं तो मैं तो
चार दिन पहले ही बैठ के गई हूँ लिबर्टी मार्केट। वैसे इनका बड़ा प्रोटोकॉल होता है, इनकी पूरी पूरी टीम के साथ, पूरे लवाजमात के साथ ये सेट पे आती थी। नहीं है ये सेट पे, ये ऐसे मिलती भी नहीं है, इनका पूरा प्रोटोकॉल फाइनेंसर और फिर सो। लेकिन ये ऐसे रक्षे में भी रक्षे की खास बात तो है जी। आप जी हाँ, अक्सर बैठना होता है। जावेद साहब आप लास्ट? जी हाँ, बहुत बहुत। हाँ, मैंने कहा मैं तो स्टार्ट ही हमने पैदल और रिक्शे से किया है। तो लास्ट टाइम याद है आपको कौन से सन में बैठे हो? अभी शूटिंग में किया था लास्ट, एक फिल्म थी मेरी और मायरा खान की, मोहब्बत सात दिन, ओके सात दिन मोहब्बत। तो उसमें एक सीन था जिसमें मैं रिक्शा चलाता हूँ और मायरा बैठती है। अच्छा। तो वो हमने पूरी, कितना मजा आया होगा उस रिक्शे में तो। मुझे भी आता है रिक्शा चलाना है। रिक्शा तो इजी है चलाना, मोटरसाइकिल की तरह बहुत आसान, स्कूटर की तरह। यासिर को मुझे चलाना जी। मैं आपका सफर आखिरी, आप उन गलियों में जब रिसर्च कर रहे थे तो आप रक्षे में ही गए होंगे? नहीं, मेरे ख्याल से रक्षा एक आवामी सवारी है, तो हर कोई यूज करता ही है। यस, इट्स नॉट वो स्पेशल नहीं है जी। नेक्स्ट कराची की तस्वीर, सड़क के किनारे गोलगप्पे। वैसे लॉरी, आई लव इट, आई लव इट। जी जी जी, मैंने तो बहुत लास्ट कब खाए गोलगप्पे? सड़क के किनारे नहीं, अभी कोई 6-7 दिन पहले मैंने घर पे मंगाए हुए थे। और मुझे गोलगप्पों की जब क्रेविंग होती है तो बस बहुत, मुझे फिर कोई रोक नहीं। हाँ हाँ हाँ, मैं खुद की भी नहीं सुनती। लव इट, या आपने कब खाए लास्ट गोलगप्पा? कभी खाए होंगे, याद नहीं आ रहा, नहीं खाए होंगे। पानी पूरी गोलगप्पे की चीज होती है। हाँ, जी वही जी। प्रोड्यूसर साहिबा, आप तो बकेट लिस्ट में रक्षा भी है तो गोलगप्पे भी तो होने चाहिए। आपने डेविड को खिलाए? जी खिलाए हैं, लेकिन काफी टाइम गलत नहीं बैठा? नहीं, उनका पेट तो खराब नहीं हुआ? गोलगप्पा अच्छा हुआ नहीं हुआ? हाँ। इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अक्सर मेरे रिश्तेदार बाहर से आते थे। शेख साहब, हमने साथ में खाए गोलगप्पे लास्ट। यस, ओहो, बिल्कुल। डबिंग पे यस, ये लेके आए थे। और मुझे भी, जैसे यमुना ने कहा है, मुझे भी बहुत क्रेविंग होती है। मैं जहाँ था लाता हूँ, और स्पेशली रमजान में इफ्तार में तो गोलगप्पे होने चाहिए घर। अच्छा, हाँ मैं लेके आता। वाह, ये तो नहीं है। इसलिए कि उसके पीछे ये बात मेरे जहन में होती है कि यार ये अभी फास्टिंग हमने इतने दिन इतने टाइम रहे हैं, तो अब खाना पीना ज्यादा ना हो जाए। हाँ। तो वो उससे पेट पूरा करना है ताकि कंट्रोल रहे। आपकी कैसा है? बहुत ही जबरदस्त सर, हमने अफतारी सहरी है, नायाब के सेट पे काफी सारे गोलगप्पे खाए हैं। आल्सो फवाद भाई, आपने खाए? फिर ट्रेलर लॉन्च पे भी गोलगप्पे थे वहां। आपके घर में भी खाए हमने? यस। नेक्स्ट कौन से, क्या क्या? पठान भाई के होटल की चाय तो पठान, ओ ये तो मैं अभी कल रात को पी गया। आप यकीन करें कि जब मैं कल शूटिंग कर रहा था फहद मुस्तफा के साथ सीरियल एक, तो वो क्या करते हैं, रात 9-10 बजे फारग होता हूँ, 7-7:30 बजे मैं अपना डिनर कर लेता हूँ। तो वो मेरे लड़का रियाज है, उसको ये है कि भाई ये यहाँ से चलेंगे और खड्डा मार्केट में एक पठान वाला है। बड़ी अच्छी ब्रांडिंग कर रहे हैं आप उसकी। हाँ? पठान भाई की गड्ढा मार्केट में हम भी जाएंगे। यस। हाँ। और वहाँ गाड़ी रुकेंगे, वो उसको ऑर्डर करेंगे, वो इस पेपर कप में वो चाय लाएगा। हाँ। 2-4 सिप लूंगा, फिर निकलूंगा, गाड़ी घूमते घूमते घर जाएगी जब तक मैं वो चाय पी लूं। इट्स ऑलमोस्ट एवरी डे। जी भाई, सवाद भाई। हाँ, बहुत जाना होता है वहीं पे बैठ के डिस्कशन, कितने आइडिया आते हैं। पठान के होटल पे अगली फिल्म का आइडिया आपको है, और ईरानी होटल जो है नापा के पास, कोने पेशाइन कॉम्प्लेक्स के पास, वो खैराबाद के नाम से बड़ा मशहूर। बल्कि नायाब फिल्म की तो स्क्रिप्ट के इतने सेशन हमने चाय के होटल पे ही लगाए हैं। कनेक्शन है। इवन के जो लड़की जिसके साथ हमने रिसर्च कर रहे थे, जो हेल्प कर रही थी, वो चाय के होटल पे। चाय के होटल आप गई हैं डेविड को लेके? उनको पिलाई पठान की होटल की चाय? लेकिन एक उसका एक कॉम्बिनेशन है, पठान की होटल की चाय के साथ पराठा। वो मैंडेटरी। आपने क्या कह दिया ना, वो चाय पराठे के बगैर नहीं खा सकते। हाँ, लच्छेदार। और डेला वाला वाले। व्हाट अबाउट यू निदा? मैं चाय नहीं पीती।
चलो भाई चलो चलो उठे जी आप बताइए चाय तो मैं जहाँ मिल जाए जहाँ पठान के होटल की बात अलग होती है भाई हाँ हाँ मंगवा लेते हैं सेट पे अक्सर मंगवा लेते हैं चाय आप चाय पर मैं चाय नहीं पीती हूँ लेकिन पठान के होटल की चाय मुझे बहुत पसंद है तो आपने लास्ट जो पी थी वो ना उन्होंने मटका मटका चाय थी वो क्या है मटका चाय वो पता नहीं चाय बना के मटके में लेकिन वो उसकी प्राइस भी ज्यादा होती है मटका अपने साथ लेके जाती है उसकी उसका हां बहुत ही आला चाय पिए पराठा खाएं पानी पूरी खाएं या रक्षे में जाएं या नहीं जाएं ये आपकी मर्जी है लेकिन नयाब देखना जाना आपकी मर्जी नहीं है हमारी मर्जी है जाना जरूरी है अकेले नहीं अपनी पूरी फैमिली के साथ 26 जनवरी को वर्ल्ड वाइड रिलीज हो रही है इंशाल्लाह और आप अपने करीबी सिनेमा घरों में जाके देख सकेंगे इंशाल्लाह नाम याद रखना नाम तो नयाब नाम तो है ही नयाब कराची का मुझे लगता है फिल्म में जो जबान भी इस्तेमाल हुई है वो खासी कराची इवन ट्रेलर में इनका उसामा का एक डायलॉग है कि वो चिरान तो नहीं मचाएगा चिरान लफ्ज जो है वो मैंने आप पूछा मैंने कहा कि क्या होता है ये सही होता है ना मुझे भी नहीं पता ये कराची के बाहर नहीं सुनने को मिलेगा मजे की बात है कराची की फिल्म में दो लाहौरी वहाँ है सो ये पूरे पाकिस्तान की फिल्म है हैं यस और आप कहाँ के थे आप तो कराची के थे ना नहीं नहीं इस्लामाबाद इस्लामाबाद पिंडी वाले भी हैं भाई yes, पिंडी बॉय पिंडी हां पूरे पाकिस्तान इस फिल्म में मौजूद है पंजाबी फ्रेंच पंजाब फ्रेंच भी मौजूद है वो मैं मजाक में करता हूँ तो बेरोज बड़ी चिड़ आती है क्योंकि ऑब्वियसली वो अपने अंदर में बात है थोड़ी बहुत मुझे फ्रेंच आती है यस फ्रेंच में कह देना जाके देखो 26 जनवरी को सिनेमा नहीं आती ना तो वो मैं जर्मन में भी कहती हूँ वासन जियान जैक्सन स्वाइनचेस मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है और मैंने आपस की बात है मैंने बहुत अच्छी खबरें सुनी हुई है अंदर की बात है मैं जाते हुए एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मैं ब्रेक में इनसे कह रहा था कि मैंने इनसे कहा है कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये सुन के कि आपने इनको नायाब की चेन दी है और उन्होंने कहा सारी कास्ट को दी है तो मुझे एक दे बड़ी सी मैं प्रमोशन पहनना चाहता हूँ पता नहीं कब से दिल में रखी हुई ये बात बड़ा हो रहा है जरा थोड़ा सा एन दे दे बेशक आप मुझे बता दें कि किस लेवल मतलब आप अगर अगर आप नेक्स्ट प्रमोशन में मुझे देख लें उसके साथ तो समझे इन्होंने मेरी बात मान ली है ऑन एयर बोल दिया आप तो फंस गए आप सामा कितना तुमने टफ उसमें डाल दिया यार असली नहीं देना बस ऐसे दे दे सो ये मजेदार गपशप जो आपने अभी सुबह सुनी ये तो कुछ भी नहीं है जब आप 26 जनवरी को सिनेमा जाएंगे तो ये एक प्रॉमिस है इन सारे टैलेंटेड लोगों का कि आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकेंगे क्योंकि ये स्कूल ट्रिप लेके जा सकते हैं आप पूरा यस क्योंकि ये एंटरटेनिंग ट्रिप है सो जरूर जाइए ट्रिप है फिल्म है हमने ट्रिप मुझे लगा फिल्म देखने के बाद आवाम ये कहेगी कि हमारे जो पैसे वो जाया नहीं वसूल हो मजा आया और फिल्म एक पावरफुल 100% बेस्ट ऑफ लक प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर्स आप सबकी मेहनत रहेगा नहीं जाएगी क्योंकि हमारी आवाम जो है वो आपसे प्यार करती है जरूर नया आप देखने जाएगी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़